रामचंद्र आश्रित पारिजात समस्त कल्याण गुणा विराम सीता मुखाम्बुरुचंचरिक निरंतरं मंगल मातनोतु जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम भात को है परमेश्वर स्नेह तुम्हें से करा दे भात भात को है परमेश्वर स्नेह तुम्हें से करा दे नर नारी के की ज्योति जग में तुम्हें जलाते ओ नैया के केवन हारे जब मैं तुम रोना जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम दया के सागर प्रभु जी तुम ही पालन हारे चैन तुम्हीं से पाए बेतल मनवा सांझ सकारे जो भी तुमरे आस लगाए जो भी तुमरे आस लगाए बने उसी के काम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम सौभाग्यवती भव लो बहु प्रसाद लो और सबको बांट दो जी अच्छा अच्छा प्रसाद ये लो और इशाक का बाबा जी की जय बाबा जी की जय मामा ये लो प्रसाद अच्छा जाओ अपने छोटे चाचा को भी प्रसाद दिया चाचा जी लो प्रसाद अबे तुम लोग सुबह सुबह पढ़ने की बजाय प्रसाद खा रहे हो शोर मचाते फिर रहे हो हैं चाचा जी हाँ? प्रसाद खाने से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं अबे जा बगैर पढ़े ही पास हो जाते लो खा लो देखो मिस्टर गप्पू और मिस्टर पप्पू प्रसाद रख दो यहाँ और दो यहाँ से गोल लो भाई कहीं भले की लगी बुरे की कहीं भले की लगी बुरे की अरे कहाँ चले गए सबके सब इस घर में कोई है या नहीं बड़ी बहू अरे ओ बड़ी बहू कहाँ मर गई तू मेरी जिंदगी चली गई इस घर में चिल्लाते चिल्लाते सब औरतें निकम्मी है किसी को अकल नहीं ओहो सुबह सुबह क्या तूफान मचा रखा है शांता मुंह धोया नहीं और मुंह चलाना शुरू कर दिया मुंह तो कभी का धो लिया है तौलिया नहीं मिल रहा है इस घर में कोई चीज ठिकाने पर नहीं रहती ठिकाने पर तो तुम नहीं रहती हो तौलिया तो ये रहा मालूम है रात को 10 बजे खाना खाया था कब से चिल्ला रही हो नाश्ता नाश्ता कोई सुनता ही नहीं शांति से बैठो तो सही
बहुएं लाती होंगी। माँ जी चोरी कानों में रुई ठोस रखी है या बहरी हो गई? कभी आती नहीं एक आवाज पर। नाश्ता यहाँ ले आऊं या रसोई में रख दूं? रसोई में क्यों, मेरे सर पर रख दे। नाश्ता सर पर रख दिया तो खाओगी कैसे? तुम चुप रहो जी, हर बात में टांग अड़ाते रहते हैं। ये बूढ़े काम से तो पेंशन ले लेते हैं और हम औरतों के पीछे लगे रहते हैं। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। इच्छा भगवान की, इच्छा भगवान की, इच्छा भगवान की। अरे खड़ी मुंह क्या देख रही, जा नाश्ता लगा। कमबख्त कही मेरे पहाड़ से बेटे को खा गई और खुद रह गई। छोटी बहू, अरे और छोटी बहू। हाँ माँ जी। चोरी पति देवता चार दिन के लिए बंबई चले गए तो बहुरानी का घर के काम काज में दीदी नहीं लगता। कल मैंने तुझसे कहा था कि मेरे लिए सूखे मेवे मंगा देना, डॉक्टर ने कहा है खाने के लिए, मंगाए? कमल से कहा था मैंने लाने के लिए, अभी पूछती हूँ। तू क्या पूछेगी, मैं पूछती हूँ। कमल, अरे ओ कमल। क्या है भाभी? भाभी ने नहीं बुलाया। हाँ? मैंने बुलाया है। क्या है? मेरे लिए सूखे मेवे लाए। वो तो कल ही ले आया था। कहाँ है? माँ माँ बात ये है कि वो मेवे बहुत ही अच्छे थे। वो अपने घर में एक बिल्ली है, दो पाँव की बिल्ली, सब खा गई। बिल्ली? हाँ? कहाँ है बिल्ली? अरे तुम इस घर की बिल्ली को नहीं जानती हो क्या? माँ वो देख 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 अभी भी खा रही है। अम्मा, अम्मा, देख भैया मुझे बिल्ली कहता है। कहूंगा कहूंगा कहूंगा। हाँ, मैं बिल्ली हूँ, सबको पंजी मारती हूँ, सारा घर मुझसे चलता। मैंने तो क्या खा लिया तेरा, क्या खा लिया? अरे माफ कर माफ कर माफ कर, कल से मेरे हिस्से का भी दूध घी तू खा लिया जा। देखा अम्मा, फिर उसने मुझे ताना मारा। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, अपने पति के घर चली जाऊंगी। बड़ी खुशी की बात है, जिंदगी में पहली बार तुमने अकल की बात की है। अरे देख तेरे कहते ही हमारे जीजा मिस्टर सारंग भी आ गए। अम्मा मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। अच्छा अच्छा बेटी तू मत जाना, मेरे ही पास रहना। जी नहीं, पति को पत्नी के साथ रहना चाहिए। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि पत्नी को पति के साथ रहना चाहिए और ये मेरे साथ रहेगी। शाबाश सारंग भैया, ये हुई ना कुछ हिम्मत की बात। खबरदार जो तू बीच में बोला, चल भाग यहां से। हाँ अब बोल तू क्या बोलता है। मैं नहीं बोलता माँ जी, मेरा बाप बोलता है कि बहरवी को ले आ। उस गवैया के बच्चे से कह दे कि मेरी भैरवी नहीं आएगी। दो दिन के लिए मेरी बच्ची गई थी तो कान पक गए उसके, हर वक्त आ आ आ, आ सारे गमा सारे गमा। अरे उस गवैये खाने में इंसान तो क्या, जानवर भी नहीं रह सकते। देखिए माँ जी, आप मेरे बाप का अपमान नहीं कर रही हैं, आप एक बहुत बड़े कलाकार का इंसल्ट कर रही हैं। मैं बहरवी को लिए बगैर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ठीक है, सर मुंडा कर, भगवत मर ले, माला लेकर जिंदगी भर जपता बैठ कि भैरवी को लेकर जाऊंगा, भैरवी को लेकर जाऊंगा। चल बेटे चल। इस घर में मैं तो क्या ब्रह्मा भी नहीं पढ़ सकती। कमल कहाँ चले सुबह ही सुबह? भाभी कहीं बाहर पढ़ने जा रहा हूँ। क्यों, घर में नहीं पढ़ सकते? ये घर भाभी, ये घर नहीं जंग का मैदान है। एक तरफ माँ के मुंह से गोले बरसते, दूसरी तरफ भैरवी की जबान से गोलियां छूटती। यहाँ तो सिर्फ पिताजी ही शांति पाठ कर सकते हैं। कमल बड़ों का मजाक नहीं उड़ाया करते। माफ करना भाभी, तुम हर रोज मुझे यही उपदेश देती हो और मैं भूल जाता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना भाभी, इस घर में कोई शांति से नहीं रह सकता। पिताजी तुम अभी तक बैठे हो? अरे तुम बैठने की कह रहे हो, मैं यहाँ बिस्तर लगाऊंगा। जब तक तुम्हारी बुआ यानी मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं चलेगी, मैं यहाँ से नहीं चलूंगा, नहीं चलूंगा, नहीं चलूंगा। पिताजी ये भगवान का प्रसाद खा लो, बुआ जी फौरन चले जाएंगे तुम्हारे साथ। अच्छा? हाँ? ये बात है, तुम जल्दी दो जल्दी दो। बुआ जी बुआ जी की जाए, बुआ बुआ जी की जाए, बुआ बुआ जी की जाए। अरे वाह, कितना गुण है भगवान के प्रसाद में। जय हो भगवान जय हो। भैरवी भैरवी बोलो क्या मंगाओ तुम्हारे लिए, मोटर टांगा बग्गी रिक्शा? मेरे ख्याल से साइकिल ठीक रहेगी, मैं आगे और तुम पीछे। हाँ कहाँ चलोगे, पिक्चर देखने? पिक्चर? हाँ मुझे पिक्चर देखने ले चलो ना। अरे सुबह सुबह कहाँ पिक्चर, और आज संडे भी तो नहीं है। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। हटो, मैं तुम्हारे साथ घूमने चल सकती हूँ, बाजार में जा सकती हूँ, जंगल में भी जा सकती हूँ, मगर तुम्हारे घर नहीं चलूंगी। सुनो भैरवी, तुम मेरे साथ घर चलती हो? नहीं नहीं। देखो मैं तीन बार तुमसे घर चलने के लिए पूछूंगा। एक, अम्मा
दो अम्मा, तीन अम्मा, मा 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 मा, ओ भगवान के प्रसाद में भी कोई दम न रहा। अब मैं यही बैठकर सत्याग्रह करूंगा। क्यों रे गप्पू, इस घर में मर्दों का सत्याग्रह चल सकता है? सिर्फ औरतों का सत्याग्रह चलता है। तो बेचारे मर्दों का क्या होगा? इच्छा भगवान की। बस भैया, हमसे नहीं भागा जाता, पैर भी दुखने लगे। चलो अब घर चले। तुम लोग जाओ, मैं कुछ देर यहीं बैठूंगी। अकेली? अरे कौन जाने, हमारे जाते ही अकेली से दुकेली हो जाए। चल शैतान पे। घबराओ नहीं रानी, हम कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे। ऐसे में कोई जवान लड़की बेसब्री से बार बार घड़ी देखे तो क्या मतलब हुआ? मतलब साफ जाहिर है, प्रेमी का इंतजार है। चलो कमल बेटा, किसी के रंग में भंग डालना अच्छी बात नहीं, मगर ऐसी खूबसूरत लैला का मजनू कैसा है जरा हम भी तो देखें। तो ये मैम साहब किसी मजनू की लैला नहीं, बच्चे की माँ है। कमाल है साहब, ये बच्चा रो रहा है और आप पढ़ाई में मशगूल हैं। मुझसे तो कहते हो भाई, बच्चे की मां से कहो। ओ देवी जी, ये पुस्तक बंद करो और बच्चे को संभालो। बच्चे को मुझसे क्यों कहते हो, बच्चे के बाप से कहो। देखो भाई, क्या जमाना आ गया है, बच्चा रो रहा है और माँ बाप अकड़े बैठे हैं। अरे बच्चा रो रहा है, अच्छा बहन कल मिलेंगे। अरे हटो हटो, मुन्ना रो रहा है। अरे अरे मुन्ना है, राजा है, रोना नहीं बेटा, रोना नहीं। चलो चलो मम्मी के पास जाएंगे, घर जाएंगे। अजब आदमी हो यार, किसका बच्चा है और किससे पूछ रहे हो। जी, मुझसे कहा आपने? हाँ हाँ, मैं आपसे ही कह रही हूँ। क्या समझाया आपने मुझे? एक खूबसूरत लड़की और क्या। ओ शराब जी, क्या मैं माँ जैसे दिखती हूँ? और माफ कीजिएगा, मैं आपको एक बाप जैसा दिखता हूँ। खैर छोड़िए, आपने मुझे बच्चे का बाप कहा, मैंने आपको बच्चे की माँ कह दिया, हो गया बराबर। खड़ी क्यों है, बैठिए ना। नहीं नहीं, अब मुझे घर जाना चाहिए। जी घर ही तो जाइएगा, इतनी जल्दी भी क्या है। इसलिए कि थोड़ी देर पहले आपने मुझे माँ कहा, और अगर थोड़ी देर और रुक गई तो दादी कहने लगी। आप तो ताने कसने लगी। हाँ मैं तो सिर्फ ताने ही कस रही हूँ, मेरी जगह पर कोई दूसरी लड़की होती तो। तो क्या थप्पड़ मार देती? नहीं नहीं, आपसे प्यार करती। ऐ सुनिए, माफ कीजिए, एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? पूछिए। आप बार बार अपनी घड़ी क्यों देख रही? जानती मैं क्या सोच रहा था? क्या सोच रहे थे? पहले मैंने ये सोचा कि शायद आप अपने प्रेमी का इंतजार कर रही हैं। हाँ, और बाद में मैंने सोचा कि शायद आप अपने पतिदेव का राह देख रही हैं। और अब आप सोच रहे हैं कि मैं अपने पिताजी का इंतजार कर रही हूँ। जी नहीं, बाप का इंतजार कौन करता है। लेकिन ये सच है, मैं अपने पिताजी का ही इंतजार कर रही हूँ। बाप रे, आपके पिताजी यहाँ आ रहे हैं क्या? घबराइए नहीं, वो यहाँ नहीं आएंगे, मैं तो उनके घर पहुँचने का ही इंतजार कर रही हूँ। क्या मतलब?
मतलब ये है कि जब तक पिताजी ऑफिस से घर नहीं पहुंच जाते मैं भी घर नहीं जाती। क्यों जी, आपके घर में कोई भूत रहता है क्या? भूत नहीं, मेरी सौतेली माँ है, मुझे बहुत परेशान करती है। अपना भी यही हाल है। जी हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी माँ सौतेली है और मेरी माँ सगी। मैं भी हर रोज शाम को यहाँ आता हूँ, किसी और मतलब से नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए। अच्छा जी हाँ, देखिए ना, हम दोनों एक ही बीमारी के मरीज हैं। मैं अपनी माँ से तंग हूँ और आप भी। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आता हूँ और आप भी। मेरी शादी भी नहीं और बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं आप। जी पढ़ाई तो बहुत अच्छी करता हूँ, मगर कौन जाने इम्तिहान में पास होऊंगा या नहीं। सुनिए एक बात कहूँ। पूछिए। हम दोनों रोज यहाँ आया करें, खूब दिल लगा के पढ़ेंगे और भगवान ने चाहा तो इम्तिहान में कामयाब भी हो जाएंगे। माफ कीजिए, अब मुझे जाना चाहिए। जी। हेलो हेलो, मेरा नाम हेलो नहीं उषा है। उषा देवी फरमाइए। जी ये आपका बैग। ओ, आपकी वजह से मैं सब कुछ भूलने लगी। शुक्रिया। सुनिए एक बात हमेशा याद रखिए, अपनी सौतेली माँ के साथ जरा हिम्मत से पेश आया कीजिए। यूं। शुक्रिया। उषा गुप्ता, टेलीफोन नंबर। रोज नए नए फैशन बनाती है, यही सीखते हैं कॉलेज में। फांसी ही लगाकर मरना है तो रस्सी डाले गले में। माता जी हा? मुझे आके दिखाती है, मेरे सामने जबान लड़ाती है, खींच लूंगी जबान। कमबख्त, काम की नकाज के हतनी की तरफ फूटी चली जा रही, मालूम नहीं कब टलेगी यहाँ से। किसे टलने को कह रही हो? तुम्हें ही। मुझे? पर मैं नहीं टलने का योर ऑनर, मैं तो इस गुलाब जैसे चेहरे पर भौरे की तरह मड़राता ही रहूंगा। ये गले में पड़ी हुई चोटी कितनी सुंदर मालूम हो रही है। मेरी खूबसूरती की तारीफ बाद में करना, पहले अपनी लड़की की करतूत सुनो। क्या हुआ? मैं कुछ काम को कहती हूँ तो मुझे आंखें दिखाती, मुंह चलाती है। उसकी ये हिम्मत, तुम फिक्र न करो, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ, तुम घबराओ नहीं। तू रो रही है? नहीं तो। बेटी, वो तुझे नहीं डांटती बल्कि मुझे डांटती है, उसके कहने का बुरा नहीं माना करती, उसकी तो आदत ही है बकबक करने की। खबरदार, जो कभी माँ का सामना किया तो आज मैं छोड़ देता हूँ, आइंदा मैं कभी माफ नहीं करूंगा, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? शीला, मेरे लिए काफी तैयार कर लेना है? और सुनो, थोड़ी सी पकौड़ियां भी हैं। हेलो हेलो, उषा, आप उषा देवी बोल रही हैं? मैं उषा नहीं, उषा की माँ बोल रही हूँ। मर गए जी, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर हो गया सत्यानाश। समझ गए कौन है ये रॉन्ग नंबर रामचंद्र, देख लूंगी। आ
पिताजी, अरे तू आज भी अकेला चला आया, बहू को साथ नहीं लाया? पिताजी वो नहीं आई, मैंने नरमी से कहा, गर्मी से कहा, यहाँ तक के मैंने वहाँ सत्याग्रह किया, लेकिन नाकामयाब रहा। अबे तू मर्द होकर भी अपनी बहू को नहीं ला सका? पिताजी यही तो मुसीबत है कि मैं मर्द हूँ, वरना बार बार उसके यहाँ खुशामद करने क्यों जाता, लेकिन अब नहीं जाऊंगा उसकी खुशामद करने के लिए, मैं उस पर मुकदमा करूंगा, अदालत में जाऊंगा। अबे उल्लू की तुम, अदालत में कमजोर लोग जाते हैं। तेरे बाप के पास सुरों की ताकत है, मैं तुझे वो राग सिखाऊंगा जिसकी एक ही तान सुनकर दौड़ी चली आएगी भैरवी तेरे पास। आप मुझे तान सिखाएंगे? अबे हाँ तुझे। पिताजी नजर आया, चला कहा, बैठ बैठ, यहाँ बैठ, चल शुरू कर, शुरू कर। अबे उल्लू की तुम, संगीत तेरे बस की विद्या नहीं, अब ये काम मुझे करना होगा। चलो मैं वहां चलकर वो राग सुनाऊंगा कि तेरी भैरवी भीगी बिल्ली की तरह चली आएगी तेरे कदमों में, क्या समझा? चल 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 पिताजी। अरे चल तू, आप कितने अच्छे पिताजी। पिताजी यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आता। मैं जानता हूँ ये सब मुझसे डरकर भाग गए, लेकिन बेटा मेरे राग से बचकर कहाँ जाएंगे? ये तो ठीक है पिताजी, लेकिन सासू माँ का गुस्सा। अरे गुस्सा तो गुस्सा, मैं तेरी सासू माँ को भी तिनके की तरह उड़ा दूंगा। तानसेन ने मस्त हाथी को ठंडा कर दिया था, तेरी सासू माँ किस खेत की मूली आए। मैं शुरू हो जाता हूँ, तू देख तमाशा। सजन साजन के घर आ, सजन साजन के घर आ, सजन साजन के घर आ, सजन के घर आ, सजन साजन के घर आ, सजन साजन के अब्बा। देखा बेटे, भैरवी आ गई, अब भैरवी की अम्मा भी आएगी। अम्मा सारेगा, अम्मा गामा पा, अम्मा धानी सा। क्यों गधे की तरह देख रहे हो? देखिए माँ जी, आप मुझे गधा कह सकती हैं, लेकिन मेरे बाप को गधा नहीं कह सकती। समझ बेटे, देखो संदन, सीधी तरह से बहू को हमारे साथ घर भेज दो, वरना मैं दीपक राग गाकर इस घर को आग लगा दूंगा। वाह वाह, बीड़ी तक तो जला नहीं सकते, घर को आग लगा देंगे। चलते बनो यहाँ से, मैं अपनी भैरवी को नहीं भेजूंगी। चल बेटी। तू फिक्र ना कर बेटी, बैठ यहाँ, मैं अभी आती हूँ। भैरवी चल घर चल। नहीं भगवान के लिए घर चल। मैं नहीं चलूंगी। देख भैरवी, आखिरी बार तुझसे पूछता हूँ, तू घर चलती है? नहीं 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 नहीं, ये बात है, देखता हूँ कैसे निकल। अम्मा चल चल। अरे वाह वाह, ये तो मेरी जोरू है। बड़ा आया जोरू वाला, उसकी जान लेने के लिए नहीं मैंने तुझसे दाही है। तो आप इसको मेरे घर भेजिए, ये वहाँ मेरी जान लेगी। फिर वही बात, कह दिया ना एक बार का नहीं भेजती। मैं भी देखता हूँ ये कैसी नहीं आती। चल भैरवी। ये तो मैं हूँ, मैं चलो पिताजी, आपका सिखाया हुआ राग थप्पड़ राग निकला। अच्छा, तो इसका मतलब है मैंने एक नया राग इजाद किया, थप्पड़ राग। वाह मजा आ गया, थप्पड़ राग पिताजी, थप्पड़ राग। अरे पता, थप्पड़ राग। माँ जी हो, माँ जी सीता माता की जय हो। कमल? आज मैं कमल नहीं, श्री राम का दूत हनुमान बनकर आया। ये लो,
और बताओ ये क्या है? मुझे क्या मालूम। दादी तुम्हें बुखार है क्या? कुछ नहीं। अजी घबराओ मत, तुम्हारे बुखार की दवा आ रही। जानती हो ये क्या है? ये है श्री राम का संदेश सीता के नाम। लेकिन राम जी ने अंगूठी नहीं भेजी। क्या तुम्हारे भैया की खबर है? अजी खबर नहीं, हमारे भैया श्री कैलाश चंद्र जी महाराज खुद फ्रंटियर मेल से तशरीफ ला रहे हैं। सिगरेट पी सकता हूँ क्या? जी शौक से। शुक्रिया। इट्स ऑल राइट। आपने मुझे पहचाना नहीं? जी आपके दोस्त मदन है ना? हाँ हाँ। मैं उनकी बहन हूँ। अरे रागिनी जी। अरे मुझे भी ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ था रागिनी कि जिस पायलट ऑफिसर के साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी वो शादी से एक रोज पहले ही हवाई जहाज के एक्सीडेंट में मारा गया। ये तो बहुत पुरानी बात है। मुझे तो कल ही की मालूम होती है। तुम्हें एक बड़ी मजेदार बात बताऊं रागिनी। तुम्हारे भैया ने तुम्हारी शादी उस पायलट ऑफिसर के साथ तय करने से पहले मुझसे बात की थी। अच्छा। हाँ लेकिन पिताजी ने मेरी शादी कहीं और ही तय कर दी थी। अच्छा मैं एक मजेदार बात बताऊं? हाँ बताओ। मेरे भैया ने उस पायलट की और आपकी दोनों की तस्वीरें मुझे दिखाई थी और मैंने आप ही को पसंद किया था। हाँ। रागिनी तुम्हारी शादी हो गई? नहीं अब मेरा शादी का इरादा नहीं। क्यों? दरअसल मेरे भैया ने मुझे और मेरी छोटी बहन को बचपन से ही डांस और संगीत की तालीम दिलाई है। अच्छा। इन दिनों उसी में ज्यादा दिलचस्पी है और फिर हमने एक डांस का स्कूल भी खोल रखा है। बस इसी तरह समाज सेवा में दिन अच्छे गुजर जाते हैं। हाँ तभी ये सितार तुम्हारे साथ है। जी हाँ। बोलो शाशु तो अभी कच्चे हो गया? अरे तुम्हारे की चलो एक एक पिस्तौल इनाम तुम्हें एक और तुम्हें और चलो भाग जाओ। तो आगे भैया। अरे कमल कैसे है? अच्छा सुना पढ़ाई वगैरह हो रही है ना? ठीक एकदम जोर से हो रही है। भाई हम भी आ गए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते कैलाश भैया कैसे हो सारंग? अरे सारंग तो आजकल बेरंग हो गया है। घबराओ मत जीजा जी बहुत जल्द रंगदार हो जाओगे। बड़े मौके से आए। अच्छा मेरे लिए भी कुछ यानी थोड़ा सा काम है। मेरे लिए क्या काम है? वो गाड़ी में से भैया जी का सामान उठा लाओ ना। मैं उठा लाऊं? हाँ तुम इस घर के दामाद और दामाद को सब कुछ करना पड़ता। अरे ये तो मैं भूल ही गया कि मैं इस घर का दामाद हूँ और दामाद को सब कुछ करना पड़ता है। धागो पिताजी। अरे तुझे हो क्या गया? छड़ी लेके क्यों चलता है? पिताजी छड़ी मेरे लिए नहीं है आपके लिए है। दीजिए। लेकिन पिताजी इस छड़ी को कहीं कोने में मत रख दीजिएगा, जरा इधर उधर चलनी चाहिए। चल चल चल। कैलाश। अरे माँ कैसी है माँ? अच्छी है माँ। देख मैं तेरे लिए टॉनिक लाया हूँ, ये तेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा। कैलाश भैया बहुत अच्छा किया जो माँ के लिए टॉनिक लाए। मालूम पिछले महीने माताजी का 2 पाउंड वजन कम हो गया है। 2 नहीं रे 3। 3 बेटा तो कितना ख्याल रखता है मेरा, इसे तो जरा भी परवाह नहीं। अरे मोई तो छोटा बेटा है ना, माँ का ख्याल तो बड़ा बेटा रखता है। मेरा बेटा। कैलाश भैया आपका सूटकेस मैंने ऊपर रख दिया है। तो चलो हम तुम्हें इनाम देते हैं ये कैमरा। कैमरा? कैमरा मेरे लिए? ये कितना अच्छा कैमरा है। अरे गुड पोज। एक दो
अरे बुद्धू सारंग, उसमें तो फिल्म ही नहीं है। उसमें फिल्म नहीं? क्या कैलाश भैया, अब कुर्ता दिया और धोती नहीं दिया आपने। अच्छा चलो, हम तुम्हारे लिए फिल्म दिला, ये लो। वेरी गुड माता जी, फिल्म क्या बड़ा, आज तो मजा आ जाएगा। कैसा रहेगा भैया? क्या कर रहा है, बोलता क्यों नहीं, क्या चाहिए? मैं जानती हूँ, बोल बोल, रुपए दे दो भैया, हमें ऐसा पैसे मांगते रहता है, सैकड़ों रुपए रोज खर्च करता है। अरे कमल, तुझे रुपए किस लिए चाहिए? रुपए नहीं चाहिए भैया, वो अपना कॉलेज है ना, कॉलेज बहुत दूर है। एक अच्छा सा साइकिल ले देना भैया। अरे बुद्धू, तू साइकिल पे जाएगा स्कूल? हाँ हाँ, तू ही कान मरोड़ इसके, साइकिल पे बैठेगा, पैदल नहीं चला जाता। अबे बुद्धू, तू कॉलेज साइकिल पे जाएगा, मोटरसाइकिल पे जा, और ये ले 2000। भैया 2000? अरे लाइन, देखा देखा, दोनों एक से हैं। इच्छा भगवान की। देखो भाभी, भैया ने 2000 रुपए दिए, मोटरसाइकिल खरीदूंगा मोटरसाइकिल, और फिर बस। लेकिन मैं तेरे लिए खड़ी भी लाया। अरे अरे भैया, ये तो बहुत खूबसूरत है, सुंदर है भाभी, पकड़ो 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 पकड़ो, बांधो मेरे हाथ में। थैंक यू शेखन, शेखन कौन 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 शेखन? अरे भाभी हाथ मिलाओ। अरे हम पुराने हालात के लोगों को फैशन क्यों सिखाता है? हाँ भाभी, ये लड़का बड़ा बदतमीज हो गया। हाँ, जब तेरी मेम साहब आएगी उसे सिखाना। भाभी तुम तो मजाक करती हो। अरे बाप। और भाभी, तुम्हारे लिए लाई गई है एक साड़ी, बच्चों के लिए खिलौने और कपड़े, सीता से ले लेना। अच्छी बात है, किसी को छड़ी, किसी को घड़ी, किसी को साड़ी, किसी को खिलौने। अरे भैरवी, मैंने तो समझा था कि तू ससुराल चली गई है। खैर हाँ चल, ये चश्मा तू ले ले, अच्छा दिख रहा है तुझे। चश्मे की तो तुम्हें जरूरत है, मैं तो चश्मे के बगैर सब कुछ देख रही हूँ। भैरवी इसको पहनो, पहनो। क्यों? तुम बड़ी अच्छी लगती हो, तुम घर नहीं चलती ना, तो इसलिए तुम्हारा फोटो मैं घर ले जाता हूँ। रेडी 1 2 3। अरे चली गई, अजीब मुसीबत है। ठहरो ठहरो गप्पू पप्पू, मैं तुम्हारा फोटो निकालू। अच्छा, वेरी गुड, जरा हंसना देखू। 1 2 3। अरे कहाँ चले गए लोग? ये कैमरा है या बंदूक, कोई ठहरता ही नहीं इसके सामने। सीधा ये चांद मेरे जीवन में इसी तरह मुस्कुराता रहे, इसकी शांत ठंडी और पहली किरणों में मैं हमेशा हंसता गाता रहा। जब तुम हंसती हो सीता, तो मेरा सारा जीवन मुस्कुरा उठता है। तुम्हारी आंखों की सुंदर गहराइयों में मुझे जिंदगी की हर एक खुशी मिल जाती है। मैं काम पर बाहर तो चला जाता हूँ, लेकिन मेरा मन तुम्हारे पास ही रहता है। और मेरा तन मन सब कुछ तुम्हारे साथ चला जाता है। मैं ही जानती हूँ कि किस तरह दिन गुजरते हैं मेरे। कितना भाग्यवान हूँ मैं। तुमसे ज्यादा भाग्यवान मैं हूँ। अच्छा चलो, मुँह धोकर कुछ खा पी लो। सीता, तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? तुम आ जाते हो, मुझे सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया चीज लेकर आया हूँ। देखो, बोलो पसंद है? कितना खूबसूरत है। हाँ हाँ, घर में सबके लिए महंगी महंगी चीजें लाए, न मालूम मैंने कौन सा पाप किया है। नाराज मत हो भैरवी, चाहे तो लो, तुम पहन लो ये हार। लो भैरवी, ये हार तेरी भाभी के लिए है, तेरे लिए कौन ले आऊंगा? मुझे हार और कुछ नहीं चाहिए। भैरवी, अरे पगली, तू मेरी एक ही तो बहन है, जब देखो लड़ती रहती है। अरे तेरे सामने हार की कीमत क्या है? और फिर तेरी खुशी के लिए तेरा भैया क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भैरवी, तू एक
अच्छे घर की लड़की है, तुझे चाहिए कि तू अपने पति के घर जाके रहे और उसे जीवन में सुख शांति दे सके। बस बस, मुझे लेक्चर लेक्चर कुछ नहीं चाहिए। भैरवी, टीका पहन लो इसे। तुम्हें इन बातों से क्या करना, पहन लो ना। अच्छा लाओ मैं पहना। भगवान करे तुम्हारे हाथ हार की तरह मेरे गले में हमेशा पड़े रहे। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, माँ जी बुला रही हैं। अरे ओ छोटी बहू, क्यों रे कामचोर, तू रानी बनी बैठी है यहाँ? मैं नौकरानी की तरह काम कर रही हूँ, सुबह से बैठी है उसके पास। बंबई से ही तो आया है वो, बनवास से नहीं। अब रहने दे इस नाटक को, चल जल्दी से नीचे और घर का काम काज देख। यहाँ रहने से तो बनवास अच्छा, तंग आ गया हूँ इस घर से, मैं तो कहीं अलग घर लूंगा। सीता ऐसा न कहो, हम सबको मिलकर ही इस घर में रहना चाहिए। तुम बड़े हो, अगर तुम ही बाहर रहने चले गए तो ये घर और बिगड़ जाएगा। माँ के कहने का बुरा नहीं माना करते। अच्छा चलो पहले मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे कपड़े लाती हूँ। अरे हंस क्यों रही हो तुम? अरे इतना हंसोगी तो मुंह से मोती गिरने लगेगी। अरे बोलो ना, हंस क्यों रही हो? बंबई में मर्द औरतों के कपड़े पहनते हैं क्या? अरे ये बैग तो गलती से उस लड़की का आ गया है, रागनी का। तुम अलमारी से मेरे कोई और कपड़े निकालो। सीता, तुमने ये नहीं पूछा कि रागनी कौन थी? अगर बताने की जरूरत होती तो तुम खुद बता देते। तुम देवी हो सीता। कैलाश बाबू। अरे रागनी, तुम यहाँ? जी, मैं आपका सूटकेस लौटाने आई हूँ। अरे लेकिन तुमने क्यों तकलीफ की? कोई बात नहीं, मैं खुद ही आने वाला था। सीता, यही है रागनी देवी जिनका हम जिक्र कर रहे थे। नमस्ते। नमस्ते। इस घर में सिर्फ मेरी मुसीबत है। बड़ी बहू को अपने बच्चों से फुर्सत नहीं, छोटी को अपने पति से फुर्सत नहीं, सुबह से बैठी है बातें करती हुई। सासू माँ बुला रही है, आप इनसे बातें कीजिए, मैं अभी आई। अच्छा, तुमने शायद ही कहीं और ऐसा घर देखा होगा। हर वक्त तूफान मचा रहता है, ना आए का ख्याल ना गए का ख्याल। हर एक घर में यही शिकायत है कैलाश बाबू, कहीं भाई भाई का झगड़ा, कहीं बाप बेटी की तकरार और कहीं औरत की तरफ से परेशानी। मेरी औरत तो बेचारी देवी है, ये उसी का प्रेम और प्यार है जो मुझे यहाँ खींच लाता है, वरना मेरे लिए यहाँ क्या रखा है। रानी, तुम्हें खड़े खड़े इतनी देर हो गई, बैठ जाओ। कोई बात नहीं, मुझे टाइम हो रहा है, फिर कभी। मैं तुम्हारा बैग ले आऊं? नहीं, मुझे दे दीजिए। चलिए मैं छुड़ाता हूँ कार तक। शुक्रिया। आई इस जादू के डंडे के जोर से मुझे सब कुछ मालूम हो जाता है। आपके पिताजी का नाम श्री एसएल गुप्ता एडवोकेट, आपका कद 5 फुट 2 इंच, आपका वजन 115 पाउंड, आपका टेलीफोन नंबर 3501। परसों मैंने आपको टेलीफोन भी किया था। आपने मुझे टेलीफोन किया? जी हाँ, मगर अफसोस ये है कि आपकी माता जी टेलीफोन पे आ गई।
गजब कर दिया आपने। अजी घबराइए नहीं, मैंने रॉन्ग नंबर बोल के गजब को गोल कर दिया। सुनिए, लेकिन मेरा पता, मेरा टेलीफोन नंबर आपको किसने बताया? आपने। मैंने कब बताया? अजी मुंह से नहीं बताया, लिख के बता दिया। देखिए ना इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मेरी डायरी आपके पास? और मैं आपके पास। मैं तो समझी थी मेरी डायरी कहीं खो गई। आपकी डायरी तो मिल गई, मगर मैं खो गया। आप शौक से खो जाइए, आपको यहाँ ढूंढने वाला कोई नहीं। लाइए मेरी डायरी। एंड ओ नो, नहीं देखे? नहीं नहीं नहीं। देखिए मिस्टर। बोलो मैम साहब। किसी भी लड़की की डायरी चुराना अच्छी बात नहीं। और किसी भी लड़के का दिल चुराना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। आप बड़े चालाक हैं। ये चालाक था तो नहीं, मगर हो गया। कब से? जब से तुम्हें देखा। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम्ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम्ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम्ही तुम हो। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम्ही तुम हो। प्यार के दिन बेखुदी छाने लगी, मस्तियाँ झूम उठी जिंदगी गाने लगी। आ गए प्यार के दिन बेखुदी छाने लगी, मस्तियाँ झूम उठी जिंदगी गाने लगी, जिंदगी गाने लगी। दिल के नए नगमों की तानों में तुम ही तुम हो। दिल के नए नगमों की तानों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। चाहा है तुम्हें हर नजारा है जवां, जब से पाया है तुम्हें भीगा भीगा है समां। जब से चाहा है तुम्हें हर नजारा है जवां, हर नजारा है जवां। दिल में तुम ही रहते हो, यादों में तुम ही तुम हो। दिल में तुम ही रहते हो, यादों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। दीप खुशियों के सदा दिल में जलते ही रहे, प्यार की दुनिया में हम साथ चलते ही रहे। दीप खुशियों के सदा दिल में जलते ही रहे, प्यार की दुनिया में हम साथ चलते ही रहे, साथ चलते ही रहे। क्यों न मिले मंजिल जब राहों में तुम ही तुम हो। क्यों न मिले मंजिल जब राहों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो।
ओ भाभी भाभी ये खुशखबरी लाया। क्या है? पहले मुंह मीठा करो। इतनी सी बात? इतनी बात नहीं भाभी, बात इससे भी ज्यादा मीठी। भाभी सुनता आया था परियां आकाश में रहती, मगर मालूम मेरे लिए एक परी इसी शहर में उतर आई है। हाँ समझ गई, तुमने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर प्यार की पढ़ाई शुरू कर दी। आज ही कहूंगी तुम्हारे भैया से। कहो कहो, बड़े शौक से कहो, मगर भाभी मैं इतना कहता हूँ कि क्या सुन रही थी छिप छिप के? शैतान कहेंगी। हाँ हाँ शैतान मैं ही हूँ, बाकी सब देवी देवता हैं इस घर में। थोड़े दिन बाद खुद मालूम हो जाएगा शैतान कौन है। बस बस बहुत सुन चुकी तुम्हारी प्यार की कहानी, जाओ यहाँ से। भाभी अपने दिल की बात तुमसे नहीं कहूँ तो किससे कहूँ? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। हाँ हाँ जब से भैया आए हैं तुम्हारे पास मेरी बात सुनने के लिए वक्त ही नहीं, जाता हूँ। क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं, हमेशा पेपर की उड़ाता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ उसकी शादी कर देनी चाहिए। धर्म का काम है जो आपकी इच्छा। इच्छा भगवान की। भैरवी। हाँ पिताजी। अपनी माँ से 100 रुपया ले आओ। अच्छा। उनसे कहना धर्मदास जी बैठे हैं, हनुमान मंदिर के लिए चंदा देना है। क्यों आई है तू यहाँ? धर्म के लिए पिताजी ने 100 रुपए मांगे हैं, धर्मदास बैठे। धर्म के लिए या दास के लिए, धर्म के नाम पर ये लोग अपना पेट भरते हैं, कह दे जा नहीं मिलेंगे। मामा ऐसा, अरे ये कैसे गिर गया नीचे? लक्ष्मी का रूप है, रख दे थाली में। अरे कम्बल, लक्ष्मी को ऐसा फेंका नहीं करते। पिताजी। ओ तुम्हारे सास ने भेजे? इच्छा भगवान की, दे दो इन्हें। पुत्रवती भो। अम्मा अम्मा क्या है री? मैं पहुंची नहीं कि छोटी भाभी पहुंच गई और धर्मदास को रुपए दे दी। देने दे देने, हमें क्या लेना देना है उससे। तुम इस चाल को नहीं समझती अम्मा, छोटी भाभी तुम्हें दूसरों की नजर में गिराना चाहती है। समझी, अब मैं चढ़ाऊंगी उसे अपनी नजर में। अरे ये क्या, ला इधर चल। ऐसी नीचे, इतनी बड़ी बन गई है तू, किसने कहा था तुझे रुपए देने के? कम से कम जब तक माँ जिंदा है तब तक तो उसकी इज्जत किया करो। मैंने तो मना किया था और तूने रुपए दिए? क्यों दिए, कहाँ से दिए? देती कहाँ से, भैया की जेब से चुरा कर दिए। भैरवी ये क्या शोर मचा रखा है, मैं जिस वक्त भी इस घर में कदम रखता हूँ हंगामा मचा रहता है। माँ आखिर ये बात है क्या? पहले ये तय करो इस घर की मालकिन कौन है। लेकिन ये तो बताओ कि हुआ क्या है? इस घर में छोटो बड़ों का कोई ख्याल नहीं, कोई इज्जत नहीं। सीता बताओ क्या हुआ? तुम ऊपर चलो, खाना तैयार है। आहा क्या चाल चलती है बचने के लिए। चलो तुम ऊपर चलो। भैरवी तुमसे सच कहो क्या बात है? मुझे क्यों लपेटते हो इस मामले में? खामखा तुम लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हो, कोई भी कुछ नहीं कहता। सीता तुम बताओ क्या बात है, जवाब दो। मैं कहता हूं जवाब दो। जवाब नहीं देती, अब भी जवाब दोगी या नहीं? ये क्या माधवपन है कैलाश? पिताजी ने दान के लिए रुपए मांगे थे, माताजी ने मना कर दिया और सीता ने अपने पास के रुपए उन्हें दे दिए, बस यही तो बात है। इसमें क्या बुरी बात थी, इतनी सी बात भी तुम मुझे नहीं बता सकते थे? तुम लोगों को हो क्या गया है? मुझे माफ कर दो भाभी। मुझसे नहीं, उस देवी से माफी मांगो। क्रोध मनुष्य का दुश्मन है और सब्र इंसान का साथी है। पिताजी
सीता, मैं बिला वजह तुम पे नाराज हुआ। इस बात को तुम छुपा क्यों रही थी? माता जी भी शांत हो गई और तुम्हारा भी गुस्सा उतर गया। अभी छोड़ो इस बात को। मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान किया है, मुझे माफ कर दो सीता। पति पत्नी में कैसा अपमान? तुम्हें कहने का हक है और मेरा सुनने का फर्ज। बंबई जाते हुए जो रुपए मुझे तुमने दिए थे वही मैंने आज पिताजी को दिए। अच्छा चलो खाना खा लो। सुनो जी, तुम मेरे मैक के खत डालो। अरे तुम डाल दो, तुम्हें ही लिखना होगा। अरे मैं लिख तो दूं लेकिन लिखूंगा क्या? यही लिखो कि मैं अपना सब काम काज छोड़कर अपनी श्रीमती के पास बैठा रहता हूँ। हटो जी। मामा देख बड़ी भाभी क्या छुपा कर ले जा रही है। बड़ी बहू? अरे वो बड़ी बहू। हाँ माँ जी। ये क्या ले जा रही है छुपा कर? सीता के लिए इमली की चटनी। क्यों? बगैर चटनी के निवाला नहीं उतरता गले से। घास नहीं खाने से पीस कर चल रख दिया। सीता की इच्छा हो रही है खट्टी चीज खाने की। खट्टी चीज खाने की इच्छा हो रही जैसी माँ बनने वाली। हाँ हाँ माँ जी, सीता के पाँव भारी हैं। बच्चे क्यों बैठे? अरे सुनते हो? सुनो तो सही, अखबार फिर पढ़ना, पहले मेरी खबर सुनो। क्या बात है, आज तुम्हारी बातों से बहुत प्यार टपक रहा है। क्यों नहीं तपेगा, खुशी की खबर है, सीता के पाँव भारी है। ओ, इच्छा भगवान की। हाँ। ये लो। तुम क्यों लाई दीदी, मैं खुद ले आती। मैं दुबली तो नहीं हो जाऊंगी काम करने से। और सुनो, अब तुम्हें बार बार जीने पे उतरना चढ़ना तो नहीं चाहिए। चुप। ओ, ये बात है। आई माँ जी। सीता बताओ तुम्हें लड़का होगा या लड़की? मुझे क्या मालूम। अरे तुम्हें नहीं मालूम तो किसे मालूम? अच्छा चलो मैं बताता हूँ, इन दोनों में से एक उंगली पकड़ो। इसमें शर्माने ही क्या होता, पकड़ो ना। अच्छा लड़का होगा, लड़का। अगर लड़की हुई तो सत्यनारायण की पूजा कराऊंगी, भगवान शंकर का अभिषेक करूंगी। तुम प्रार्थना करो उनके लिए और उन्हें तुम्हारी जरा सी भी परवाह नहीं। छोटी भाभी ने बड़ी भाभी को बताया लेकिन तुम्हें नहीं बताया, इसका मतलब तुम छोटी हो और वो बड़ी है। हाँ हाँ ठीक है, आज पहले इसी बात का फैसला करूंगी। चल तो सीता, मुझे तुमने बताया क्यों नहीं? मैं किसे बताती तुम्हें? छोटी बहू। माँ जी बुला रही है। बहू मेरी, ये मजाल दूध की मक्खी समझे मुझे? बात क्या है माँ? तू चुप रह। सीता तू नीचे आ। इस घर में गौरी मुझसे बड़ी हो गई। लेकिन माँ। अरे कह दिया ना, तू चुप रह, औरत की तरफदारी करता है। चल जा ऊपर, चल नीचे आ। बहू ये खुशखबरी तू मुझे पहले बताती तो मैं तेरे लिए काबुल से अनार और बनारस से बेर मंगाती। कमल क्या है? जा जल्दी बाजार से एक मन मिश्री ले। किस लिए माँ? अरे तुझे मालूम नहीं, तेरी भाभी के बच्चा होने वाला है। है? अरे मुबारक हो, भाभी मुबारक हो। अरे खिलाओ ना हाथ, मारती क्या है? भगवान करे गुड़ियों सी लड़की हो। इन्हें कहने दे लड़का, लड़का लड़की ही होगी। लड़का हो गया तो लड़का कैसे होगा? मैं जो कहती हूँ लड़की होगी, लड़की हो। अरे माँ झगड़ा छोड़ो, दो बच्चे एक साथ होंगे, एक लड़का एक लड़की। La 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 la
हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। कली जो गुलशन में साथ अपने बहार लाई हो, तू है ऐसी किरण जो रात ढले चांदनी में नहा के आई हो, ये तेरा नूर ये तेरे जलवे जिस तरह चांद हो सितारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। छलके हुए हों पैमाने तेरे होंठों पे वो खामोशी है जैसे बिखरे हुए हों अफसाने, तेरी जुल्फों की ऐसी रंगत है जैसे काली घटा बहारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। सूरत जो देख ले शायर अपने शेरों में ताजगी भर ले, एक मुसविर जो तुझको पा जाए अपने ख्वाबों में जिंदगी भर ले, नगमा गर ढूंढ ले अगर तुझको दर्द भर ले वो दिल के तारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। आज तो बड़े मजे में आ रही है, क्या हो गया है तुझे? ये कौन है? समझी तो ये है तेरा प्रेमी, यही है वो रॉन्ग नंबर रामचंद्र, इसे मैं संभालती हूँ। माता जी की बच्ची, तू इसे दिल में बसा, मैं तुझे घर से निकालती हूँ। आज ही कहूंगी उनसे, इस
इसीलिए आजकल बनावट सिंगार हो रहे हैं, इसीलिए रोज देरी से आया करती है। देर से क्या बात कर रही हो, आज तो मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, क्यों नाराज हो रही हो? मैं नाराज हो रही हूँ और तुम्हारी बेटी खुश हो रही है तुम्हारी नाक काटने के लिए। मैंने शादी के बाद भी तुम्हारी तस्वीर नहीं बनाई और वो शादी से पहले ही किसी गुंडे की तस्वीर बना रही है। ये बात है, सचमुच मैं तंग आ गया हूँ इस लड़की से। उषा, उषा, बेटी ये क्या बक रही है तेरी माँ, किसकी तस्वीर बना रही है? तस्वीर बनाना बुरा नहीं है बेटी, खुद बनना बुरा है। जिस तरह मैं तुझे गलत नहीं समझता, उसी तरह तू भी मुझे गलत नहीं समझना। हा? मुझे अपनी खुशी से तेरी खुशी का ख्याल ज्यादा है बेटी। ला तस्वीर दिखा, ला ला बेटी। कमल, रामदास का लड़का, ये तेरा बेटी? अगर इस घर में मेरी लड़की चली जाए तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा? शीला, आओ जैसी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ। मेरी याद कैसे आ गई, क्या काम पड़ गया मुझसे? बैठो बताती हूँ। चाची, उषा के लिए कोई लड़का बता, मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़की से। बेलगाम घोड़ी की तरह घूम रही है, कहीं ना कहीं इसकी जल्दी शादी कर देना चाहती हूँ। लड़का तो है, बहुत बड़ा घर है, रामदास का नाम तो सुना होगा तुमने। हाँ हाँ। बड़ा लड़का तो एक्सीडेंट में मर गया, दूसरा काम काज देख रहा है, और जो तीसरा है बीए में पढ़ता है। लेकिन लड़के की माँ, हे भगवान, नाम तो शांता है मगर तलवार बनकर लटकी रहती है बहुओं के सर पर। बस बस चाची, ऐसी ही सास चाहिए जो उसकी हड्डी पसली नरम करती रहे। हड्डी पसली तो क्या, तार की तरह मरोड़ के रख देगी। तुम्हारे वो आ गए, मैं चली। क्यों, देख ली अपनी लड़की की करतूत, अब तो कर दो उसकी शादी। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? जल्दी तुम्हें नहीं, मुझे। लोग कहेंगे सौतेली माँ शादी नहीं करने देती। ये ठीक है, लेकिन कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए। लड़का मैं बताती हूँ, रामदास के लड़के को तय कराओ। रामदास के लड़के को? पागल हो गई हो, रामदास से भिड़ना कोई मजाक है? कितना बड़ा घराना है वो। हमारा घराना क्या कम है? नहीं समझती शीला, वो लोग बहुत दहेज मांगेंगे। तो क्या हुआ, एक ही तो लड़की है तुम्हारी। क्या बोलूं मैं, जैसा कहोगी वैसा करता जाऊंगा। आज ही मिलता हूं मैं रामदास, अब तो खुश हो ना? हैं? कोई बात नहीं, आराम से बैठो ना। बोलिए क्या चाहिए थी? कॉफी? अभी कुछ नहीं बेटे। ठंडा कोको कोला? नहीं, कम से कम पानी तो पीजिए। अभी कुछ नहीं बेटे। देख, मकान में कोई बड़ा आदमी नहीं है। क्यों, कुछ साल बाद हम भी बड़े हो जाएंगे। चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। माफ कीजिएगा, आप पिताजी से मिलने आए? जी हाँ। आप मुझे नहीं जानते? जी नहीं। कोई बात नहीं, जान जाएंगे, जान जाएंगे। मैं आप ही को देखने आया हूँ। मुझे? जी। क्यों? वो सब मैं बड़ों से कहूंगा। ए बच्चा, लोग तुम बड़ों की बातों में कहाँ बैठो, जाओ। बड़े प्यारे बच्चे। अजी बहुत शैतान है जी। सिगरेट? धन्यवाद, मैं नहीं पीता। लेकिन मैं बहुत पीता। शौक से पीजिए, शौक से पीजिए। शुक्रिया। श्रीमान जी। जी हाँ। अगर आप बुरा ना माने तो आपको एक मशवरा दूं। हाँ, कहिए। अगर आप इस घर में रिश्ते की मर्जी से आए हैं तो गोल कर दीजिए। क्यों? जी हमारे घर की हालत बहुत पतली है, कंपनी का दिवाला निकलने वाला है। बाकी रहा मैं, बिल्कुल नकारा आदमी, महीने में 4 पैसे नहीं कमाता। पर साहब, मैंने तो सुना है कि पिछले साल आप लोगों ने 2 लाख रुपए इनकम टैक्स में दिए हैं।
अजी आप पिछले साल की बात कर रहे हैं, मैं इस साल की बात कर रहा हूँ। ये इनकम टैक्स, ये सुपर टैक्स, ये एडवांस टैक्स, श्रीमान जी क्या बताएं, बस टैक्स ही टैक्स रह गया है। ये तो होता ही रहता है, बिजनेस में ऊंच नीच तो हमेशा का कायदा है, इसमें फिक्र की कौन सी बात है। फिक्र की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। आप ऐसा कीजिए पिताजी को बुला दीजिए। अजी वो तो पूजा में है, 3-4 घंटे लगेंगे आने में। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। जी जी अजी आप काम धंधे वाले आदमी हैं, टेलीफोन पर बात कर लीजिएगा ना। साहब मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो बात फोन पर नहीं हो सकती है। फोन पर नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल रामलाल जी। ओ मरे गए, पिताजी आ गए। आप यहाँ? जी मैं पिताजी आपने पूजा बहुत जल्द खत्म कर दी। क्या बकता है, पूजा तो मैं सुबह ही कर चुका हूँ। ओ शायद मैं ही देर से उठा हूँ। मैं अक्सर देर से उठता हूँ। अच्छा पिताजी आप इनसे बातचीत कीजिए और मैं चलता हूँ। नमस्ते जी। बैठिए बैठिए श्यामलाल जी, कहिए कैसे तकलीफ की। बात ये थी कि मेरी इकलौती लड़की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी इकलौती लड़की उषा अब शादी के लायक हो चुकी है। ओ तो आपसे प्रार्थना है कि आपके छोटे लड़के कमल के साथ। ऐसा इच्छा भगवान की। हाँ? क्या बात है, आज सुबह सुबह बड़ा प्रणाम हो रहा है। मां जी हाँ? एक बात पूछूं? पूछ पूछ। आपने भैया की शादी में तुमने कितने पैसे लिए थे? तुम नहीं जानते, 20,000। माँ मेरी शादी पे कितने पैसे लेगी? उससे कुछ ज्यादा ही लूंगी, 1,00,000 मिल जाए तो 1,00,000 लूंगी। माँ एक खुशखबरी बताऊं? हाँ हाँ बता। मेरी शादी के लिए एक आदमी है, बाहर पिताजी के पास बैठा है। हाँ? मगर मैं उसकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। क्यों रे, मेरी थैली में आती हुई लक्ष्मी को रोकता है। मगर माँ भाव में बड़ा फर्क है। कितने देता है? देता है, कहता है जी भूखा नंगा आदमी हूँ, सिर्फ बेटी दे सकता हूँ। हाँ? हाँ? तो फिर मेरे घर में क्यों बैठे? तो पूछ ले जाके उसको। है तो अभी निकालती हूँ धक्के देकर। अपनी माँ बहुत अच्छी है। क्यों जी, कौन है जी? क्या यही आए हैं हमारे लड़के को देखने? जी नमस्ते। नमस्ते। बैठिए बैठिए श्यामलाल जी, तुम इन्हें जानती नहीं शांता, श्यामलाल जी अपने शहर के बहुत बड़े रईस हैं। अच्छा? हर मोहल्ले में इनका एक एक मकान है। बड़ी खुशी की बात है, शादी में एक मकान जरूर लूंगी। अब आती भारवी। अरे वाह भारवी, चाय लाओ बिस्कुट लाओ। बड़ी खुशनसीब है मेरी बेटी जो आप जैसी सासू से मिली। बड़ा प्यार करती हूँ मैं अपने बहुओं को, कुछ काम नहीं करने देती। अरे रे ये क्या गजब करती हूँ सीता बेटी, कितना मना करती हूँ फिर भी नहीं मानती। घर में नौकर चाकर है, मैं हूँ, आप ही बताइए ना फिर इसे काम करने की क्या जरूरत है। एक अब बुबू, क्या है क्या क्या? मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि आप जो भी कहेंगे मुझे मंजूर है। बस जल्दी से मुहूर्त निकलवा कर शादी कर दीजिए। दूसरी चीज, इच्छा भगवान की। शादी पक्की, जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो दो ही ठीक हुई थी, खूब चला हमारा बिजनेस। अबे चक्रम तूने सारा मामला ही चौपट कर दिया है। आ गए बेटा। हाँ माँ। ये है हमारा बड़ा लड़का कैलाश, आप है श्यामलाल जी। नमस्ते। नमस्ते। कमल की शादी पक्की हो गई इनकी लड़की से। अरे माँ ये तो बड़ी खुशी की बात है। एक बात और, शादी हमारे घर होगी। जी हाँ। पर सारा खर्चा आपको देना पड़ेगा। मंजूर है, मंजूर है। अच्छा तो अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसी महीने मुहूर्त निकलवा कर फिर हाजिर होगा। हाँ? नमस्ते। नमस्ते। तुम देख रही भाभी ये क्या हो रहा है, इससे पहले कि बात और आगे बढ़ जाए तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन कैसे कमल? वो मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि उषा के बगैर मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। तो जाके माँ जी से कह दो ना। तुम भी तो मेरी माँ हो भाभी, तुमसे ज्यादा इस घर में मुझे कोई नहीं जानता। भाभी तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, जरूर करनी होगी। क्यूरी कहाँ जा रही है बंधन के?
अंदर जा। बहुत बुझा चुकी प्यार की पहेलियाँ। तेरे पिताजी तेरी शादी पक्की करने गए हैं। मेरी शादी? और क्या मेरी? थोड़ी देर सबर कर, अभी आकर बताएंगे वो किसके साथ गाने हैं प्यार के गीत। क्यों जी, कर आए बात पक्की? तुम्हारे सामने मेरी कुछ चलती है। जो कुछ तुमने हुक्म दिया उसे पूरा कराया। शादी इसी महीने हो रही है। पिताजी ये आप क्या कह रहे, आपने मुझसे पूछा तक नहीं। सुन रहे हो? बेटी क्या तू अपने को अपनी माँ से भी ज्यादा अकलमंद समझती? अरे पगली, तू नहीं जानती कि तेरे सुख और खुशी के लिए इन्होंने कितनी कोशिश की है इस शादी के लिए। मैं ये शादी नहीं करूंगी। देखिए इसकी हिम्मत। आज तो मैं सिर्फ तुम्हारी हिम्मत देखने वाला हूँ। तुम जाकर नाश्ता तैयार करो, मैं देखता हूँ कि वो कैसे तुम्हारी बात टालती है। जरा अच्छी अच्छी चीजें बनाना। हाँ माँ, माँ बोलो ना, अब मैं क्या करूँ? उषा बेटी, ये क्या? बेटी, लड़कियां शादी के बाद ससुराल जाने के समय रोया करती हैं, और तू शादी से पहले ही रो रही है। पिताजी, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो आज इस तरह मेरे मर्जी के खिलाफ ये शादी न होती। बेटी, तेरी माँ मर चुकी है, ये सच है, लेकिन तेरा पिता अभी जिंदा है। तुझे अपने पिता पर भरोसा नहीं? पिताजी, मैं कमल को वचन दे चुकी हूँ। पिताजी, तू अपने फैसले को बदल नहीं सकती? नहीं नहीं, हरगिज नहीं पिताजी। ठीक है, कमल के साथ ही तेरी शादी होगी। पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ बेटी, उसी के साथ तेरी शादी पक्की करके आ रहा हूँ। सच पिताजी? सच बेटी, मैं सच कह रहा हूँ। कान खोल के सुन लो माँ, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। क्यों, क्यों नहीं करेगा? मेरी मर्जी। इस घर में तेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी चलेगी। जो मैं चाहूंगी वही होगा। नहीं, शादी मेरी हो रही है, जो मैं चाहूंगा वही होगा। सुनते हो अजी, तुम भी तो कुछ बोलो। मगर तुम क्या बोलोगे? इच्छा भगवान की, तुमने तो चूड़िया पहन रखी है, मर्दानगी कहाँ है तुम में? इच्छा भगवान की। कमल, तुम कुछ मत बोलो भैया, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। माँ मेरी शादी नहीं बर्बादी कर रही है, मुझे तबाह कर रही है। कमल, कैसी बातें कर रहे हो? माँ अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहती, वो जो कुछ करती है अच्छे के लिए करती है। माफी मांगो माँ जी से। माफी मांगता हूँ, लेकिन शादी नहीं करूंगा। मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, जब कमल शादी नहीं करना चाहता तो उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। शादी में लड़के और लड़की की राय लेना बहुत जरूरी है। इसका मतलब तुम भी नहीं चाहती कि भैया की शादी हो? हाँ, मैं भी नहीं चाहती कि इसकी मर्जी के खिलाफ शादी हो। देखा माँ, तुम चाहती हो, पिताजी चाहते हैं, भैया चाहते हैं, लेकिन भाभी नहीं चाहती। लेकिन मैं चाहती हूँ ये शादी होगी, होगी और जरूर होगी। और मैं कहता हूँ ये शादी नहीं होगी, नहीं होगी, हरगिज नहीं होगी। हो गई रे, मैं तो अपने बाल माँ की हो गई रे, मैं तो अपने बाल माँ की हो गई रे। बाल माँ की हो गई रे, लाई है रंग मेरे
बिंदिया लगाऊंगी मैं प्यार की। माथे पे बिंदिया लगाऊंगी मैं प्यार की, हाथों में मेहंदी रचाऊंगी बाहर की, हाथों में मेहंदी रचाऊंगी बाहर की। निंदिया से जागूंगा मेरा सुहाग, मेरी दुनिया तो वो धक सो गई रे, मैं तो अपने बाल माँ की हो गई रे, हो गई रे, हो गई रे, हो गई रे, मैं तो अपने बाल माँ की हो गई रे, मैं तो अपने बाल माँ की हो गई रे। क्या बात है उषा, आज बड़ी उदास नजर आ रही है। तुम तो खुश हो ना? क्यों, पसंद आई वो लड़की? कौन लड़की? हाँ हाँ, जिसके साथ तुम्हारी शादी पक्की हो गई। ओ, तो ये खबर आप तक भी आ पहुंची है? मर्दों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, प्यार किसी से और शादी किसी से। हाँ, जब माँ बाप मजबूर करें तो क्या किया जाए। सच्चे प्रेमी को माँ बाप का मुकाबला करना चाहिए। मुकाबला करना चाहिए, कहना बहुत आसान है मैम साहब, माँ बाप दो होते हैं और प्रेमी एक, एक दो के सामने कैसे ठहर सकता है। बहुत अच्छा हिसाब है तुम्हारा, बुजदिल डरपोक। आह, बुजदिल डरपोक, कहो कहो और कहो, बहुत अच्छे लगते हैं ये बोल तुम्हारे मुँह से। ठीक है, तुम अपने माँ बाप को खुश करो, मैं अपने पिताजी को खुश करूंगी। वो कैसे? उस गुंडे से शादी करूंगी। गुंडा? कौन गुंडा? मेरे पिताजी ने मेरे लिए भी एक लड़का देखा है, लेकिन है एक नंबर का गुंडा। मेरे पिताजी उसे देखने उसके घर गए तो उसने सीधे उनके मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ा। क्या? और झूठ मूठ कहा कि उन लोगों का दिवाला निकल गया है। फिर? और ये भी कहा कि उसके पिताजी का मिलना मुश्किल है, पूजा में बैठे है 4 घंटे से उठे। ए उषा की बच्ची, क्या श्यामलाल जी तुम्हारे पिता हैं? जिस तरह तुम्हारे पिताजी का नाम रामदास जी है। मरे गए। मेरे पिताजी ने मुझे सब कुछ बता दिया। उषा, फिर मिलेंगे। कहाँ जा रहे हो? उलट को पलट करने में इंसान, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। माँ, माँ। अरे क्या बात है? मुझे माफ कर दो माँ, मुझे भूल हो गई। क्या बात है? औलाद को अपने माँ बाप के सामने कभी मुंह नहीं खोलना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, अगर वो कुएं में कूदने को कहें तो फौरन कूद जाना चाहिए। हाँ? क्या कहना चाहता है तू? माँ, मैंने बहुत देर सोचने के बाद फैसला किया है कि मेरे को शर्म आती है माँ। अरे बोल ना, जल्दी बोल। माँ, तू जहां मेरी शादी करना चाहती है ना? हाँ? शौक से कर दे, मुझे कोई एतराज नहीं। मेरा ला, कितना अच्छा है मेरा ला। अरे सुनो, अरे भैरवी, ओ गौरी, अरे सुनो तो। क्या हुआ, क्या हुआ? देखो ना, कितना समझदार है मेरा लाल, मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा। अभी बुलाती हूँ श्यामलाल जी को, आज ही मुहूर्त निकलवाऊंगी। लेकिन अम्मा, मालूम नहीं थोड़ी ही देर में किसने इतना समझदार बना दिया। किसी ने भी बनाया हो, हमें क्या, हमारा तो बिगड़ता काम बन गया। चल चल। इच्छा भगवान की। कमल, कमल कमल। हा? क्या हो गया तुझे, सुबह तो मना कर दिया, अब क्यों राजी हो गया शादी करने को? भाभी, बहुत सोच के राजी हुआ हूँ, बात यह है कि अपनी भलाई इसी में है। मजाक ना करो, सच बताओ क्या बात है? बात यह है भाभी कि वो सुबह श्रीमान जी आए थे मेरी शादी की बात करने। हाँ? अरे वो अपनी उषा के पिताजी हैं। सच? हाँ? ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ बहुत अच्छा, घर वालों का दिल रह जाएगा और तुम्हारी चांदी। हाँ? एक अच्छी खासी दासी मिल जाएगी तुम्हें, और गुलाम तो पहले ही हाजिर है सेवा के लिए।
बैठो पलंग पे, करो राज। बात क्या है? ये दूल्हा, ये तो वही लड़का जिससे वो प्रेम का नाटक खेल रही थी। तुमने खुद ही मुझसे कहा था कि इसी लड़के के साथ शादी तय कर दो, मैंने कर दिया। मुझे क्या मालूम कि यही रामदास का लड़का है। तो क्या करूँ, शादी रोक दूँ? पागल हो गया, अब तो इज्जत का सवाल है, ये शादी कैसे रुक सकती है? यही तो मैं कह रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है, भगवान सब अच्छा करेंगे। घर में मेहमान हैं, जा करूँ। ते
मान ले हार तू अब छोड़ दे ये हट घर में जर जा मैं नहीं इन बातों से दबने वाली जर जा मैं नहीं इन बातों से दबने वाली तेरे मुंह कौन लगे यूं न दिखा बेशर्मी तेरे मुंह कौन लगे यूं न दिखा बेशर्मी नहीं चाहता था मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है तुम नहीं चलोगे तो मैं भी यहीं। ये क्या है कमल? चलो ना भाई, मैं तुमसे सच कहता हूँ इतना अच्छा नाच और गाना हो रहा है कि तुम्हारी सब थकान दूर। तू जा कमल, मेरी तबीयत अच्छी नहीं। भाभी चलो ना, लो जूता पहन। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? चुप रहो जी, कमाल है आप लोग यहाँ बैठे हैं। अरे नीचे शानदार नाच गाना हो रहा है और दूल्हे मियां यहाँ तशरीफ रखा है। तुम चलो हम आते जल्दी आओ। हे अरे अरे वेट वेट वेट, अरे ये पोज बड़ा अच्छा है, जरा मैं एक फोटो निकाल लो। वन टू कैमरा फिर खराब हो गया यार, ये माचिस का डब्बा या कैमरा है? भैया मैं अभी रिपेयर कर लेता हूं। बिल्कुल तुम्हारे जैसा। अरे भाभी तुम्हारे हीरो बाहर का घर मेल आज मैं तुम्हें ऐसा सजाऊंगा कि दुल्हन भी देख के शर्मा जाएगी। तुम बड़े शरारती हो। शरारती मैं? अजी मुझसे डबल शरारती तो वो आने वाला होगा। कौन? मुन्ना। वे, वे। जब से भैया आए हैं तुम्हारे पास मेरी बात सुनने के लिए वक्त नहीं। जाता हूं। हाँ हाँ शैतान नहीं, बाकी सब देवी देवता है। थोड़े दिन बाद खुद मालूम हो जाएगा शैतान कौन है। तुम बड़े शरारती हो। शरारती मैं? अजी मुझसे डबल शरारती तो वो आने वाला होगा। कौन? मुन्ना। कैलाश बाबू आप? ये क्या पागलपन है? आखिर क्या इरादा था आपका? मैं तो इधर से जा रही थी
और मुझे खुद पता नहीं था कि आगे सड़क टूटी हुई है। लेकिन आप इतनी तेज रफ्तार से क्या खुदकुशी करने जा रहे थे? हाँ रागिनी, लेकिन तुमने मुझे क्यों बचाया? आखिर बात क्या है, क्या हुआ है? खैर चलिए घर चलिए। कौन से घर? उस पाप के कुएं में। मैं उस घर में अब कभी कदम भी नहीं रखूंगा। ठीक है, अगर आप उस घर में जाना नहीं चाहते तो चलिए मेरे घर चलिए। दीना ये दीदी कॉफी ले आओ। अच्छा दीदी। भैया तुम्हारे बारे में कितनी ही बातें सुना चुके हैं जिनसे मैं समझती थी तुम कितने बहादुर और समझदार इंसान होगे। इतने समझदार होकर भी तुम ये क्या हरकत करने जा रहे थे? अगर मैं वहां ना होती तो मैं जाने क्या हो जाता। परेशानियों से घबराकर आदमी जान देने चले, ये कहां की बहादुरी है? काश कि तुमने मुझे ना बचाया होता रागिनी। तुम्हें ये शायद मालूम नहीं कि कुछ हालात ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर इंसान का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है, फिर उसे सिर्फ मौत ही आराम पहुंचा सकती। अपना आराम ढूंढने चल दिए लेकिन ये नहीं सोचा इससे औरों का क्या हाल होगा। इंसान कभी दूसरों के लिए भी तो जिंदा रह सकता है। लेकिन जिस इंसान की किसी को जरूरत नहीं वो किसके लिए जिंदा रहेगा? रागिनी मैंने जिंदगी में सब पे भरोसा किया और उसके जवाब में मुझे सिर्फ धोखा मिला, सिर्फ धोखा। मैं जिन्हें अमृत समझता था ना वो सब जहर से भरे हुए निकले। इस दुनिया में जिंदा रहने को मेरा जी नहीं चाहता। यहां किसी को मेरी जरूरत नहीं, किसी को मेरे मर जाने का गम नहीं होगा रागिनी। ये तुम कैसे कह सकते हो कि किसी को भी गम ना होगा, इससे मुझे गम होगा। लेकिन इन बातों से क्या फायदा रागिनी, इनसे मेरी जिंदगी में सुख और शांति तो वापस नहीं आ सकती। क्यों नहीं, मैं वचन देती हूँ कि मैं सब अंधेरे हटाकर तुम्हारी जिंदगी में फिर से उजाला कर दूंगी। आदमी जिंदा रहे तो उसे एक दिन सब कुछ मिल सकता है। मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हारा खोया हुआ सुख वापस लाऊंगी। हाँ लेकिन मुझसे वादा करना होगा कि तुम फिर इस तरह जिंदगी से भागने की कोशिश नहीं करोगे। बोलो करते हो वादा? बोलो बोलो ना। लो कॉफी आ गई। दीना तुम इन्हें जानती हो? हाँ हाँ कैलाश बाबू। हाँ तुम्हें तो पता है। लो कॉफी पी लो। और सुनो अगले हफ्ते मैं और बीना स्टेज पे बहुत बड़ा शो करने वाली हैं, तुम्हें वहां आना होगा। देखते क्या हो, आना ही पड़ेगा। अब मैं तुम्हारे घर टेलीफोन करती हूँ कि तुम इसी शहर में हो। नहीं नहीं रागिनी, मैं उनमें से किसी का मुंह देखना नहीं चाहता। अगर वो ये समझ रहे हैं कि मैं कहीं चला गया हूं तो उन्हें ऐसा ही समझने दो। काम नहीं करना चाहिए। जीने पर चढ़ना उतरना, बाग में जाना, फूल तोड़ना, कुछ भी नहीं करना चाहिए। लाओ ये हार भी मैं तुम्हारे लिए बना देती। लेकिन मेरे भगवान के लिए हार तो मुझे ही बनाना चाहिए। दीदी जब से मैं यहाँ आई हूँ तुमने कभी नहीं बताया तुम इस पूजा मंडप में किसकी पूजा किया करती हो। क्या मैं देख सकती हूँ तुम्हारे भगवान की मूर्ति को? अरे रे ये क्या कर रहे हो उषा? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम अपने पति की तस्वीर की पूजा किया करती हो। उषा हम स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा भाग्यवान होती हैं। पुरुष भगवान को राम कृष्ण या शंकर जैसे अनेक रूप में देखते हैं, लेकिन स्त्री एक ही रूप में अपने पति के रूप में जीते जागते भगवान को देखती है। लेफ्ट राइट, छोटी छोटी, तुम्हें क्या बुला रहे हैं?
तुम जाओ उषा, वो इंतजार करता होगा। गप्पू कहाँ है तुम्हारे चाचा जी? पहले पापा दो तब मैं बोलूंगा। अच्छा लो। और मुझे शर्म नहीं आती? चलो बच्चों के सामने ऐसी बातें गुस्सा मत करो चाची। लो बच्चे तो चला चला पप्पू। चला गप्पू। मैं शरारती हूँ? अरे उषा देवी, इस घर में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। देखा नहीं तुमने, कभी दो मिनट भी नहीं मिलते तुम्हारे पास बैठने की। ना मालूम मां चिल्लाती कब आ धमके। सुनो हा? बड़ों का इस तरह मजाक नहीं किया करती थी। ओफो, आपको भी लग गई भाभी की बीमारी। मगर देखो मैम साहब, इस घर में छोटे क्या बड़े क्या, सब एक समान है, सब तकलीफ देते। अब इस भैरवी को ले लो, अगर अपने पति के साथ अपने घर चली जाए तो आधी मुसीबत खत्म हो जाए। सुनो हा? मैंने उसे घर भेजने का एक जादू ही तरीका निकाला है। अच्छा बोलो बोलो बोलो। नहीं बोलती। नहीं बोलती क्यों? इसलिए कि अगर पहले बता दिया तो जादू का असर चला जाएगा। देखो मैम साहब, पति पत्नी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा जी। हाँ जी। देखो ये है मेरा जादू। जादू? अरे ये तो सारंग भैया की तस्वीर है। हाँ। मतलब? मतलब ये है कि भैरवी यहाँ आएगी, इस तस्वीर को देखेगी और फिर देखना मेरा जादू सर चढ़ के बोलेगा। जैसे मेरा जादू तुम्हारे सर चढ़ के बोलता है तो। अरे नाम लेते ही आ गई, दिखा दो जादू। क्या छुपा रही हूँ? तुमने मेरे पति की तस्वीर बनाने की हिम्मत कैसे की? क्यों, सुंदर है ना वो? सुंदर हो या ना हो तुम्हें क्या मतलब? लाओ इधर। गई। देखा है? कैसे शुरू हुआ जादू का असर? कोई भी लड़की ये सहन नहीं कर सकती कि उसके पति की तस्वीर कोई दूसरी लड़की बनाए। सैयाना देखो हमें भूर के जादूगर सैया, मचले हमारा जिया लेके अंगड़ैयाना देखो हमें भूर के जादूगर सैयाना देखो हमें भूर के जादूगर सैया। मुझ पे भी डाल गोरी जुल्फों की छैया, मैं बारी बारी जाऊं रे लेके बलैया, हाय मैं बारी बारी जाऊं रे लेके बलैया। तेरे प्यार ने किया मुझे बावरा, तेरे बिना देख मेरा बड़ा बुरा हाल है। छोड़ो जी हाथ वरना दूंगी दुहैया, मैं बारी बारी जाऊं रे लेके बलैया, है मैं बारी बारी जाऊं रे लेके बलैया। मचले हमारा जिया लेके अंगड़ैया, जादूगर सैया ना देखो हमें घूर के जादूगर सैया। नैना
तेरे सांवरी मेरे दिल के पार है, मीठी मीठी बातें तेरी कैसी लच्छेदार है। नैना तेरे सांवरी मेरे दिल के पार है, मीठी मीठी बातें तेरी कैसी लच्छेदार है। झूठी ये खुशामदें करो नहीं बालमा, देखो जी तुम्हारे लिए हम भी बेकरार हैं। ऐसी है बात फिर तो डाल गल भैया, ना देखो हमें घूर के जादूगर सैया, ना देखो हमें घूर के जादूगर सैया। अच्छा गाती हो, और मेरे पिताजी सुनेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। चलो घर चलो। बड़े आए घर वाले, कितनी बार कहा तुम्हारे घर नहीं चलूंगी। भैरवी भैरवी अम्मा, अब बताओ कहां गया तुम्हारा जादू। अरे मैम साहब, मैं अपनी बहन को तुमसे ज्यादा जानता हूँ, तुम जितनी चाहे कोशिश करो मगर ये घाट का पत्थर हिल नहीं सकता, लाख थपेड़े खाए। हाय रे हाय। नमस्ते मालिक। आओ मनीम जी। अच्छा कैलाश बंबई से कब लौट रहा? जी मैं भी यही पूछने आया हूँ, उनके बिना बहुत से जरूरी काम रुके पड़े हैं। अजीब लड़का है, जाते वक्त कुछ कह के नहीं गया, आने की भी कुछ खबर नहीं। शांता अम्मा, पिताजी बुला रहे हैं। क्या बात है? यही पूछ रहा था कि कैलाश के आने की कुछ खबर है। मुझे तो जाने की भी खबर नहीं, कौन पूछता है मुझे इस घर में, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। सीता कह रही थी किसी जरूरी काम से बंबई चले गए होंगे। जाता नहीं तो क्या करता, सुख भी क्या है बेचारे को इस घर में, खुद ऐश कर रही है सीता देवी और उस बेचारे को बनवास दे दिया। भैरवी तुम उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो, खामखा सीता दीदी पर इल्जाम क्यों लगा रही? अरे वाह, और तू उसकी वकालत कर रही है, मुझे जवाब देती है? खबरदार जो फिर मेरी चोटी खींची तो। खींचूंगी नहीं, उखाड़ दूंगी। ननद हूँ मैं तेरी, मैं भी तुम्हारी भाभी हूँ, नौकरानी नहीं। फिर हाथ तो लगा कर देखो। अम्मा ये कल की आई हुई छोकरी मुझे जवाब देती है, मुझ पर रोब गांठती है। अच्छा अभी आती हूँ। तेरी ये असर अब पता चलेगा। कहाँ है वो चूरी, चींटी के भी पर निकल आए। अरे इस घर में तेरे ससुर का रोब नहीं चला तो तेरा क्या चलेगा। सर नीचा कर। अरे सर नीचा कर। बेटी क्या कहा इसने? मैंने और कुछ नहीं कहा माँ जी, सिर्फ इसे सीता दीदी के बारे में गलत बातें करने से रोका है। तेरी ये हिम्मत मेरी बेटी को सबक सिखाती है, मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। बंद करो जी। हाँ मुझे हुक्म देता है, बेशर्म माँ के सामने बीवी की हिमायत करता है, निकल यहाँ से और दे दे इसे भी। चल निकल। सुन लो माँ, मैं भी यहीं रहूंगा और उषा भी यहीं रहेगी। निकालना है तो इस फसाद की जड़ को घर से निकालो। मेरे भाइयों ने अपनी बीवियों को बलि का बकरा बना के तुम्हारे चरणों में चढ़ा दिया, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे काली माता कहता है? हाँ हाँ मैं काली माता हूँ, मैं बहुओं के बदले लेती हूँ। निकल जाओ यहाँ से, सब निकल जाओ यहाँ से। शांता क्यों चिल्ला रही हो? अपने कपूस से पूछो ये चिल्ला रहा है। हाँ हाँ मैं चिल्ला रहा हूँ इसलिए कि पिताजी खामोश है, बेबस है, कमजोर है, मगर माँ
मैं कमजोर नहीं, इस अन्याय का मुकाबला मैं करूंगा। अब इस घर में ये सब नहीं हो सकता। कमल, किसके सामने बोल रहे हो? शर्म नहीं आती माँ बाप के सामने इस तरह बातें करते हुए? सच कहने में शर्म कैसी भाभी, माँ जो सलूक बहुओं के साथ कर रही है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कुछ भी करे, कुछ भी कहे, हमारी माँ है। चलो दोनों माँ जी से माफी मांगो। भाभी, कहा ना माफी मांगो। उषा तुम भी। माँ जी मुझे क्षमा करो। माँ नहीं और बाप नहीं, निकलो यहाँ से। इच्छा भगवान की। पिताजी, सर नीचा करके इस तरह इच्छा भगवान की कहने की बजाय सर ऊंचा करके अगर आपने अपनी इच्छा चलाई होती तो आज इस घर की यह हालत न होती। बेटी सीता, एक तुम ही इस घर की डूबती हुई नैया को बचा सकती हो, तुम ही इन दीवानों को समझा सकती हो, वरना इस घर की तबाही में अब कोई देर नहीं। इतने वर्षों से मेरी यही कोशिश रही है कि इस घर की एकता बनी रहे, यहां कोई गलतफहमी पैदा ना हो। आज उसी एकता को बर्बाद करने का कारण तुम क्यों बन रहे हो कमल? तुम समझती क्यों नहीं भाभी, अगर तुम्हारे कहने से हम इसी तरह मुंह बंद रखेंगे तो ये घर कभी ठीक नहीं होगा। बस मुझे और चुप रहने के लिए मजबूर मत करो। आज वो दिन भी आ गया कि तुम भी मेरी बात नहीं सुनते। भाभी, नहीं भाभी, ऐसा फिर मत कहना। वो दिन कभी नहीं आएगा भाभी, कभी नहीं। तुम्हें इस तरह सीता दीदी का दिल नहीं दुखाना चाहिए था। नहीं उषा, नहीं, मैं उसका दिल नहीं दुखा रहा हूं, बल्कि जो एकता और शांति वो चाहती है उसी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। वापिस आने दो भैया को, हम दोनों भाई मिलकर इस घर को ठीक करें। Tucky, 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 t
जल के झनकार। क्या ना दरदानी तुम दरदानी दीम दीम तनन ओ दरदानी ओ दीम दीम तनन अपनी अखियों से पर्दा हटा ले, मन की बगिया में कलियां खिला ले, तू भी फिजा को बहार कर ले, दुनिया उसी की जो प्यार कर ले, ये दुनिया उसी की जो प्यार कर ले, प्रीत से दिल का सिंगार कर ले, ये दुनिया उसी की जो प्यार कर ले। डांस कैसा लगा? तुम बहुत अच्छी लगी। मैं अपने बारे में नहीं, डांस के बारे में पूछ रही हूँ। डांस देखा किसने? मैं तो सिर्फ तुम्हें देख रहा था। अच्छा। देखो देखो, बड़े भैया जा रहे हैं। भैया यहाँ? पागल हो गई हो? हाँ हाँ, मैंने देखा है उन्हें उस गाड़ी में। कोई लड़की गाड़ी चला रही थी और भैया पास बैठे हुए हंस रहे थे। उषा, तुम आंखों पे चश्मा लगवा लो। भैया किसी लड़की के साथ इस तरह घूमे नामुमकिन। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, भैया के साथ वो लड़की थी कौन? तुम ये बकवास बंद करोगे या नहीं? अरे क्या हो गया है तुम्हें? देखो उषा, मैं अपने भाई के बारे में कोई बेहूदा बात सुनने को तैयार नहीं। लेकिन ये सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो भैया ही थे और उनके साथ एक खूबसूरत लड़की भी थी। तुम भैया के बारे में इतनी गंदी बात करती हो। उषा, तुम नहीं जानती, उषा वो शराबत का नमूना है, वो मेरे लिए आदर्श है। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मुझे अफसोस है उषा। उषा मेरी तरफ देखो, उषा देखो ना। नहीं,
जैसे छलके हुए हो पैमाने, तेरे हो तो पे वो खामोशी है, जैसे बिखरे हुए हो अफसाने, तेरी जुल्फों की ऐसी रंगत है जैसे काली घटा बहारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। कुछ नहीं, यूं ही पांव फिसल गया। उषा, तुम्हें कितनी बार कहा तीन दिनों तुम नीचे मत आया करो, लेकिन तुम किसी की नहीं सुनती। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। ये क्या? ये एक छोटी सी भेंट उस देवी के लिए है रागिनी, जिसने एक सूखते हुए पेड़ को अपने प्यार से सींच कर फिर से हरा भरा कर दिया। कैलाश, मैं तुम्हारी इन बातों से बहुत शर्मिंदा होती हूँ। तुम मेरे लिए इतने कीमती तोहफे क्यों लाते हो? लेकिन रागिनी, मेरा बस चले तो इस हुस्न की दौलत पर दुनिया की तमाम दौलत निछावर कर दूं। और रागिनी, आज मैं सिर्फ तुम्हारे सहारे ही तो जी रहा हूँ। जब से तुम्हें पाया है, जैसे सारी दुनिया ही मिल गई है मुझे। अब मुझे और चाहिए ही क्या? वाह, ये मुझे पाने वाली बात खूब कही। किसी डूबते को बचाने के लिए हाथ बढ़ाओ तो कलाई थाम ले, और कहने लगे मुझे बचाया क्यों, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखो रागिनी, हंसी में बात मत उड़ाओ, मैं सच कह रहा हूँ। और मुझे ये भी तो मालूम है कि तुम्हें मुझसे बहुत लगाव रहा है। आज तक मैं अंधा था, मुझे अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी। अच्छा, और क्या, वरना तुम जैसे हीरे को छोड़कर मैं उस कांच के टुकड़े को गले से क्यों लगाता। लेकिन उस दिन तो तुम कह रहे थे कि मेरी बीवी एक देवी है। रागिनी, जिसे मैं दिल से मिटा देने की कोशिश कर रहा हूँ, न जाने तुम उसी की याद क्यों दिला रही हो, बल्कि उसे भूल जाने में तुम्हें मेरी मदद करना चाहिए। लेकिन उस दिन तो तुमने कहा था कि तुम मेरी अंधेरी जिंदगी में उजाला कर दोगी, आज अपना वादा पूरा करो। रागिनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? हाँ शादी, अब तुम्हारे बगैर जीना बहुत मुश्किल है, बोलो तुम्हें मंजूर है? लेकिन कैलाश, मुझे कुछ सोचने का वक्त तो दो। सोचने का जितना चाहो वक्त ले लो, मगर मुझे इतना तो बताओ कि तुम दिल से क्या चाहती हो। दिल से तो मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, ये तो तुम जानते ही हो। बस मेरे लिए इतना बहुत है रागिनी, मैं फिर आऊंगा। दीदी, ये सब क्या हो रहा है, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, कैलाश बाबू भैया के दोस्त हैं, उन्हें तबाही से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हो या खुद फंस रही हो? ओ रागिनी दीदी, कब से खड़ी हो यहाँ? आओ बैठो ना। ये इस तरह क्या देख रही हो? मैं जो देख रही हूँ उस पर विश्वास करने की कोशिश कर रही हूँ। आज के जमाने में क्या पति को भगवान की तरह पूजा जाता है? आओ बैठो। कितने दिनों के बाद तुम उनसे मिलने आई हो, और वो तो शहर में ही नहीं है। शहर में नहीं है? हाँ, कहीं बाहर गए हुए हैं। लेकिन कहाँ? अब वो मुझे बताकर थोड़े ही जाते हैं, अपने काम धंधे की वजह से कहीं गए होंगे। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे पति शहर से कहीं बाहर गए हुए हैं? ये भी कोई बात है, अगर वो यहाँ होते तो क्या पल भर के लिए भी मुझसे दूर रह सकते हैं? तुम्हें अपने पति पर इतना विश्वास है? अपने भगवान पर विश्वास नहीं करूंगी तो किस पे करूंगी। बैठो ना। सुनो सीता, मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि कैलाश बाबू कहीं बाहर नहीं गए, बल्कि वो इसी शहर में है। इसी शहर में?
कहाँ? एक होटल में। होटल में? मगर होटल का खाना उन्हें कभी अच्छा नहीं लगता। वहाँ उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक ही दिखते हैं, मगर मैं तुमसे एक बात पूछने आई हूँ जो एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकते। आज घर से बाहर होटल में क्यों रहते हैं? बहन इसमें उनका दोष नहीं। क्यों? दरअसल बड़े घराने में कई तरह की उलझनें पैदा हो जाती हैं। इन सब परेशानियों को वो शायद बर्दाश्त न कर सके हों और थोड़े दिनों के लिए घर से दूर चले गए हों। ठीक है, वो घर से दूर रह सकते हैं, मगर तुमसे दूर क्यों हो गए हैं? कुछ दिनों पहले उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि मेरी पत्नी एक देवी है। देखा, मैंने कहा था ना, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं वो प्यार नहीं रहा सीता। तुम उनके दिल से बहुत दूर हो चुकी हो, मुझे माफ करना। मेरी बातों से तुम्हारा दिल तो जरूर दुखेगा, लेकिन मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारे पति अब दूसरी शादी करना चाहते हैं। अगर उन्हें इसी तरह सुख और खुशी मिल सकती है तो उन्हें कौन रोक सकता है? कानून। कानून? कौन सा ऐसा कानून है जो उन्हें खुश होने से रोकता है? वो कानून जो हमारे बड़ों ने तुम जैसी औरतों की रक्षा के लिए बनाया है, जिससे मर्द दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर उनकी खुशी के लिए मैं खुद रजामंद हो जाऊं तो? सीता, ये अंधविश्वास की बातें हैं, आज जमाना बदल गया है। रागिनी देवी, प्यार और पति भक्ति जमाने और कानून के साथ नहीं बदला करते। वो बिना सोचे समझे कभी कोई काम नहीं करते। शायद सारा दोष मेरा ही है, मैं ही शायद उन्हें वो सुख और खुशी न दे सकी जो उन्हें चाहिए था। पुराने ख्यालात की एक लड़की हूँ जो कुएं के मेंढक की तरह घर गृहस्थी की चार दीवारी से बाहर नहीं निकल सकती। न उनके साथ बाहर घूम सकती हूँ, न उनकी किसी काम में मदद कर सकती हूँ, न उन्हें सुखी दे सकती हूँ। अगर कोई और लड़की ऐसी मिल जाए जो उन्हें हर तरह का सुख दे सके, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी वो सुखी रहे और मेरे बाकी दिन उनके पूजा करके गुजर जाए। सीता, तुम सचमुच सीता हो। इस मंदिर में कैलाश बाबू की जगह तुम्हारी मूर्ति होनी चाहिए थी। तुम जैसी देवियों की वजह से ही आज हमारे देश का सर ऊंचा है, हमारी संस्कृति अमर है। आज मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीता, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, तुम्हें प्रणाम करती हूँ सीता। जरूर मुझसे कोई भूल हो गई होगी, वरना तुम मुझसे दूर न चले जाते। मैं इस भूल के लिए क्षमा मांगती हूँ। जो भी सजा मुझे दोगे मैं उसे कबूल करती हूँ, कबूल करती हूँ। तुम कब आए? क्यों नहीं आता तो अच्छा होता ना। कैसी बात कर रहे हो, शहर में होते हुए भी घर नहीं आए। आपके दर्शन को रोज आऊं क्या? नहीं, मुझे दर्शन देने के लिए और खाने के लिए। मैं कुछ खाना लाती हूँ। हाँ जाओ, खाने में जहर मिला लाओ। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं खुद रख लूंगा। तुम्हें ऐसे काम करने की आदत नहीं, मैं रख दूंगा। मैंने कहा ना, मैं खुद रख लूंगा। मैं तुम्ही से कह रहा हूँ, हट जाओ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, रागिनी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मामा उठो, कैलाश भैया आए हैं।
तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। तुम शौक से दूसरी शादी कर सकते हो। मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं, समझी? लेकिन मुझे जरूरत है, कभी कभी अपने चरणों की धूल दे जाना मुझे। अपनी पवित्रता का नाटक मत खेलो, मेरी आंखों में धूल मत झोंको। पापन। क्या कहा? पापन? हाँ पापन, तुम शहद में भुजी हुई छुरी हो। ये घर पाप की बस्ती है, यहाँ रहने वाला हर आदमी सांप है, और अगर तुम लोगों को जला भी दिया जाए ना तो उसमें कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं। मैं तुम्हारे लिए हजार जैसे मरने को तैयार हूँ, लेकिन लेकिन मेरे पेट में तुम्हारा अंश है, तुम्हारा बच्चा है। अगर तुम इसी तरह बोलती जाओगी ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन जाने से पहले ये तो बताते जाओ कि मेरा अपराध क्या है, मेरा पाप क्या है। तुम्हारा पाप और तुम्हारा अपराध वो धोखा है जो कोई शरीफ औरत अपने पति को नहीं दे सकती। नहीं नहीं, मैं कसम खाकर कहती हूँ मैंने कोई पाप नहीं किया। अगर अनजाने में कोई अपराध हो गया हो तो मुझे बता दो, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे पाप का नाम लेकर अपनी जबान मैली करना नहीं चाहता। तुम नीच हो, पागल हो। लेकिन जब तक मेरा अपराध नहीं बताओगे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बताओ मेरा अपराध क्या है। हट जा। अरे वाह, इस लड़के ने तो मुझे भी मात कर दिया, चिल्लाने में, हल्ला मचाने में। और क्या करता बेचारा, जरूर इसने परेशान किया होगा उसे। क्यों रे, मैं उसके आने का रास्ता देख रही हूँ और तू उसे जाने का रास्ता बता रही है। बोल क्या किया तूने? माँ जी, मेरी पूजा में कुछ कमी रह गई, मेरी प्रार्थना अधूरी रह गई। माता जी, वो मुझे बुरा भला कह के चले गए। पप्पू, जब फूफा जी बुआ को लेने आते तो बुआ कैसे रहती? अम्मा, अम्मा, पप्पू गप्पू हमारी नकल उतार रहे। क्या? हाँ, कुछ चल कर देख लो। अरे गप्पू इधर आ। दादी जी सुबह सुबह चाय कैसे मांगती है? अच्छा देख, बड़ी बहू। अरे ओ बड़ी बहू, कहाँ मर गई तू? मेरे खाने का किसी को ख्याल नहीं। अरे बंदर, मेरी नकल उतारता है। माँ जी, ये बच्चे हैं या जानवर? बड़े नेक बच्चे पैदा किए हैं तुमने। आखिर तू बांझ है ना, माँ के दर्द को तू क्या जाने? अम्मा सुनती हो? रो मत, रो मत मेरी बच्ची, रो मत। चूरी, मेरे सामने मेरी बच्ची तो कोस रही है, तेरी तो हड्डी पसली एक कर दूंगी। कमीनी, कमबख्ती। ये क्या हो रहा है शांता, झगड़ा क्यों कर रही हो? तुम भी से मत बोलो जी, इस बेसहारे को घर में जगह देकर ऊपर से पेट भर खाना भी खिलाए पर ये मेरे ही सर पर चलने लगी। कौन बेसहारे हैं? इस घर में मेरे बच्चों का भी हक है, ये राय बहादुर रामदास के पोते हैं, भिखारी नहीं। हाँ हाँ, बोलती जा बोलती जा और बोलती जा। आज तेरा इस घर से जाने का वक्त आ गया। हम जताती है वारिस बनती है, एक नया पैसा नहीं दूंगी। चली जा मेरे घर से। शांता, बुढ़िया हो गई हो, अब तो अकल से काम लो। आज तो पहले यही फैसला करना है, कौन अकल से काम लेता है और कौन नहीं। इतना फटकारती हूँ फिर भी इसकी आंखें बंद रहती। हाँ हाँ, जिन्हें आंखें खोलकर देखना चाहिए उन्हीं की आंखें बंद है। इस घर में तो उन्हीं का राज चलता है जिनकी जबान चलती है। हाँ हाँ, यहाँ मेरा ही राज चलता है। चली जा, निकल जा यहाँ से। हाँ आज ही जाऊंगी, इसी वक्त जाऊंगी। दीदी, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? तुम्हें समझाओ सीता, इसे अंदर ले जाओ। चलो दीदी अंदर चलो। नहीं, हरगिज नहीं रह सकती अब ये यहाँ, हरगिज नहीं रह सकती। सीता मुझे जाने दो, रुको नहीं। इस घर में किसी का भी भला नहीं हो सकता, कहने के लिए तो बड़े लेकिन अधिकार कुछ भी नहीं। अरे तो कौन होती है अधिकार की बातें करने वाली, निकल जाएंगे यहाँ से। चल जाओ। अधिकार है ऐसी गृहस्थी पर, समझ में नहीं आता कि क्या करूं और क्या न करूं, मौत भी नहीं आती। कमल अंदर मत जाओ, डेंजर। लाल बत्ती, बात क्या है? बात, इच्छा भगवान की? नहीं नहीं, भगवान की इच्छा नहीं, ये सब मेरी ही बदकिस्मती है। गुड मॉर्निंग डैडी।
अरे नालायक, मेरा बेटा होकर मेरे मुंह पर धुआं छोड़ता है। इच्छा भगवान की। नहीं नहीं पिताजी, आज से इस घर में आपकी इच्छा चलेगी। ये हाथ जिंदगी में पहली बार उठा है पिताजी, अब कभी नहीं झुकना चाहिए। चलिए अंदर और अपने घर की अशांति को शांति में बदल डालिए, अपने घर में खुशी और अमन के चिराग जलाइए। ये लीजिए अपना अंकुश। इच्छा भगवान की, जय पिताजी की। मुझे रोको नहीं बहन, इस घर में रहने से तो अच्छा है मेरे बच्चे भीख मांगकर खाएं। भीख क्यों मांगेंगे तुम्हारे बच्चे दीदी, ये इस घर के वारिस है, अपने दादा की जायदाद में इनका भी हिस्सा है। अरे वारे वाह अम्मा। हाँ? सुनो अम्मा, सुनो सुनो, देखो कायदे कानून की बात कर रही है। अच्छा क्यों नहीं, वकील साहब की बेटी है ना, मैं सिखाऊंगी तुझे कानून। चोरी, तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रही हो, अभी बताती हूँ यहाँ किसका क्या है। निकलो सबके सब बाहर, कोई भी वापस आए तो कायदे तोड़ दूंगी, निकलो। ठहर जाओ, अगर किसी ने जरा भी कदम बढ़ाया तो खबरदार, जाओ सब अंदर चली जाओ। अरे बस, मैं जाने को कह रही हूँ और तुम रोक रहे हो। शांता खामोश। बच्चों को काबू में नहीं रख सकते, बहुओं को चुप नहीं करा सकते और मुझ पर रोक बैठ रही। शांता मैं कहता हूँ कि अदब से बात करो, मुझे ज्यादा कुछ समझ दिलाओ। जाओ अंदर चली जाओ। पहले ही सबकी मरम्मत करूंगी तो अंदर जाऊंगी। माँ कमल हट जाइए, उठ खड़ी हो, उठी है या नहीं? आज क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया है? याद नहीं उस दिन कह रही थी चूड़िया पहन ली है तुमने, मर्दानगी कहाँ है तुम में? वही मर्दानगी दिखा रहा हूँ। हरा बेटों के सामने, बहुओं के सामने, पोतों के सामने मार खानी दिखी थी। नसीब की बात कर रही है, तुम इसी काबिल हो, हमने बड़ी समझकर अधिकार दिया था तुम्हें और तुम महाकाली बनकर सबके सर पर नाचने लगे। क्यों रे गप्पू पप्पू, पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर कहाँ जा रहे? जाओ स्कूल जाओ, चलो स्कूल। जी बाबा जी। गौरी तुम इस घर की बड़ी बहू हो, यही है तुम्हारी जिम्मेदारी, एक इज्जतदार घराने की दहली से बाहर कदम रखने का ख्याल कैसे हुआ तुम्हें? जाओ अंदर जाओ। चलो इसी वक्त एक रसोईया, एक मालिक और एक नौकर रखो, आज से इस घर का सारा काम तुम्हारी निगरानी में होगा। जाओ। जी पिताजी। सीता, कितनी दफा कह चुका हूं तुम्हें कि इस हालत में जीने पर बार बार चढ़ना उतरना ठीक नहीं, आज से तुम्हें नीचे उतरने की कोई जरूरत नहीं, जाओ ऊपर। उषा, आज से सीता की देखभाल तुम्हारी जिम्मे है, समझी? जी। ठहरो, अपनी सास से मुंह लड़ाना किसने सिखाया है तुम्हें? अच्छा ये सब तूने सिखाया है। कमल। जी पिताजी। तेरी खबर बाद में लूंगा, इसी वक्त ऑफिस जाओ और कैलाश को बुला कर लाओ, मैं उसका दिमाग भी आज ठीक करूंगा। ओके। पिताजी एक बात पूछूं? क्या है? ये बहादुरी अभी तक कहां छुपा रखी है? मैं कहता हूं कब आ गया है। भगवान की शांता, अरे चलना, अरे चलना। संगीत अग्नि पुत्र की प्राप्ति हो बेटी, अच्छा हुआ तुम अपने घर आ गई। आई नहीं लाई गई है, वरना वहां वो पिटाई होती कि हड्डी फसलियों का पता भी नहीं चलता। समझा तो समझन का माथा फिर से गर्म हो गया। जी नहीं, उनका माथा तो एकदम ठंडा हो गया, लेकिन मेरे ससुर जी ने रुद्र रूप धारण कर लिया। अच्छा। हाँ हाँ पिताजी, मालूम होता है कि भगवान शंकर उनके सपने में आए और अपना रुद्र रूप दिखाकर बोले कि भैरवी को अपने पति के पास भेज दो, और उन्होंने ये भी कहा कि अपने समधी से कहो कि तुमने संगीत की बहुत सेवा की, अब मौन धारण करके मेरा भजन करो। ठीक है ना भैरवी? हाँ पिताजी। अरे
फिर तो ठीक है, चल उठा उठा ये तंबूरा और लटका दे इसको खूंटी पर। जय हो भगवान शंकर की। अरे जय हो। साहब छोटे साहब मिलने आए हैं। मैं उससे मिलना नहीं चाहता, कह दो मैं काम में मसरूफ हूं और आज ही बंबई जा रहा। मगर साहब कह दिया ना मैंने, गेट आउट। साहब मैंने सुन लिया। क्या कहा? उसने तुम्हें मिलने से इनकार कर दिया? मैं सब जानता हूं, उसकी तमाम करतूतों की खबर मेरे पास पहुंच चुकी है। मैं आज ही दफ्तर का चार्ज अपने हाथ ले लेता हूं। पिताजी जल्दी से लेडी डॉक्टर को बुलाइए, सीता दीदी को दर्द हो रहा है। शांता जल्दी चलो, सीता के दर्द हो रहा, चलो चलो उठो। क्यों, मैं क्यों चलूं? मैं कौन होती हूँ इस घर की? ये क्या कहती हो, तुम इस घर की मालकिन हो, अधिकारनी हो। आहा, उस दिन सबके सामने मेरी हड्डी पसली तोड़कर मेरे अधिकार का झंडा बहुत ऊंचा कर दिया है तुम। अधिकार का गलत उपयोग करने से बड़ी हुकूमत के झंडे भी उतर जाते। शांता तुम्हें सबसे ऐसा सलूक करना चाहिए कि वो तुम्हें डर से नहीं प्यार की नजर से देखे। सास माँ के बराबर होती है और माँ को माँ के मर्यादा में रहना चाहिए। हाँ हाँ मैं अपनी मर्यादा में रहूंगी, घर में कुछ भी होता रहे मैं यहाँ से उठने वाली नहीं। तो तुम ये समझती हो कि जिस गांव में मुर्गा नहीं बोलता वहां सूरज ही नहीं निकलता? तुम्हारे बगैर घर का कामकाज नहीं होगा क्या? सीता के बच्चा नहीं होगा? अच्छा देखती जाओ कि तुम्हारे बगैर भी इस घर का कामकाज कैसे चलता है। कमल, कमल। जी पिताजी। जल्दी जाओ, चार लेडी डॉक्टर, छह मिडवाइफ और आठ नर्स ले आओ। अभी लाता हूं जी। देखता पिताजी लड़का हुआ है। लड़का? हाँ हाँ, मुझे कौन पूछता है इस घर में, मैं कौन होती हूँ यहाँ? सीता चाची के बच्चे की जय। बाबा जी सीता चाची के लड़का हुआ है और उषा चाची के लड़की होगी। अरे नहीं बेटा नहीं, अगर कहीं वो तुम्हारी दादी जैसी हो गई तो किसी गरीब की मुझ जैसी हालत हो जाएगी। इच्छा भगवान की। माँ जी दरवाजा खोलिए ना, बच्चा बिल्कुल आपर गया है। माँ जी मुझे बताने की जरूरत नहीं, जाए यहाँ से। आपने कल से कुछ नहीं खाया माँ जी, मैं मिठाई लाई हूँ थोड़ी सी खा लो। क्या प्यार जता रही है, मुझे कुछ नहीं खाना, चली जाए यहाँ से। माँ लाना ए, कौन? चाचा। अच्छा दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा कर हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। छोटी छोटी बातों पे
जायदाद को छोड़ो दादी माँ, पहले खाना खा लो। हाँ दादी माँ। लो पहले तुम खाओ। नहीं नहीं लक्ष्मी, कल मैं नहीं आ सकती, कल मेरी दीदी का जन्मदिन है। अच्छा परसों मिलेंगे। रागिनी का जन्मदिन है कल भी ना? जी हाँ। उसने मुझे बताया ही नहीं। हेलो। जी हाँ, जरा ठहरिए, कैलाश बाबू का फोन। पूछो क्या कहता है। जी कहिए, क्या हुक्म है? मुझे 5,000 रुपए चाहिए, फौरन भेज दो। 5,000 रुपए मांग रहे हैं। टेलीफोन मुझे दो। हेलो, मैं तुम्हारा नालायक पिता रामदास हूं, रुपए नहीं मिलेंगे। मैं बंबई से लाया था वो मुझे दो। चाल चलती हो? किसे दिया है वो हाथ? बोलो किसे दिया हाथ? तुम्हारी जान ले लूंगा, बोलो। कैलाश, कैलाश ये क्या हरकत है? मैं हाथ उठाती हूँ, ये तुझे शर्म नहीं आती? हाथ उठाना तो क्या, मैं इसकी जान ले लूंगा। तू इंसान है या राक्षस? हाँ मैं राक्षस ही सही, लेकिन इसके जिम्मेदार आप हैं। आपने मुझे पैसे पैसे के लिए मोहताज किया, आपने मुझे बेइज्जत किया। आप ये भूल रहे हैं कि इस कंपनी में मेरा भी हिस्सा है, मैं जैसे चाहूंगा वैसे पैसा खर्च करूंगा। मुझे रोकने वाले आप कौन होते हैं? तेरा बाप तेरे बुरे भले का जिम्मेदार। बेवकूफ, जवानी के नशे में अपने बाप को भूल रहा है, इस घर को भूल रहा है। पिताजी ये बहुत दिन बाद घर आए हैं, इन्हें कुछ न कहिए। ठहर, कहाँ जा रहा है? इस घर से दूर, इस नर्क से दूर। ये घर नर्क है? जिस घर में तूने जन्म लिया, जिस घर में तू पलकर पड़ा हुआ, जिस घर में लक्ष्मी जैसी बहू है वो नर्क है, और वहां तुझे स्वर्ग लगता है जहाँ एक झूठी मोहब्बत का नाटक खेला जा रहा है। मोहब्बत का नाटक तो यहाँ खेला जा रहा है। अगर आपकी आंखें होती तो आपको दिखाई देता कि इस घर में कैसे खानदान की इज्जत बेची जा रही है। ये घर नर्क से भी बदतर है। कैलाश कहाँ चला गया था तू? इस घर में सब मुझ पर अन्याय कर रहे हैं। ये सब कुछ तुम्हारी करतूतों से हो रहा है, अब भुगतो अपने किए को। हराम, मैंने बेटे को नहीं दुश्मन को जन्म दिया है। दुश्मन तो तुम हो, यह हर एक आदमी मेरा दुश्मन है। तुम सब मेरी मौत चाहते हो। ऐसा न कहो। चुप रहो। आप आए हैं? आपने तो अभी तक अपने बच्चे का मुंह भी नहीं देखा। ये मेरा बच्चा नहीं है, वही देखे इसका मुंह जो इसका बाप हो। आप क्या कह रहे हैं? हट जाओ भी बचा नहीं। हे भगवान। सीता, हे भगवान। तू इंसान नहीं हैवान, तुझे जन्म देकर मैंने पाप किया। दीदी उषा, क्या बात है? क्या बताऊं,
बोलो ना क्या बात है? भैया ने भाभी को मारा है। क्या? उन्होंने कहा ये बच्चा उनका नहीं किसी और का है। अब तो तुम समझ गई शांता कि इस तबाही का कारण तुम हो। जिस तरह तुमने अपने बहुओं के साथ बर्ताव किया, जिस तरह उनकी आजादी छीन ली, जिस तरह उनके हंसने खेलने और मेल मिलाप पर पाबंदी लगा दी, ये सब उसी का नतीजा है। जिस घर में तुम जैसी सास होगी वो घर इसी तरह तबाह होगा। तुम ठीक कह रहे, ये सब कसूर मेरा ही। मैं अनपढ़ मूर्ख हूँ, सास की जिम्मेदारी को नहीं समझ सकी। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, कुछ भी करो इस घर को तबाही से बचा लो, इस घराने की इज्जत बचा लो। ये घराना आज खत्म हो गया शांता, आज सब खत्म हो गया। नहीं नहीं, तुम अपने मुंह से ऐसा मत करो। ऐसा ये जिंदगी की उलझन, ये उनकी मेहरबानियां, बस अब तो मौत ही मिले तो खत्म हो कहानियां। ये जिंदगी की उलझन, ये उनकी मेहरबानियां, बस अब तो मौत ही मिले तो खत्म हो कहानियां। सब तो मौत ही मिले तो खत्म हो कहानियां। ये जिंदगी की उलझने, ये उनकी मेहरबानियां, बस अब तो मौत ही मिले तो खत्म हो कहानियां। सब तो मौत ही मिले तो खत्म हो छोड़कर जाना चाहती हो? जब मेरी जिंदगी मेरे पति के काम नहीं आई तो कोई फायदा नहीं इस जिंदगी से। भाभी,
तुम्हारी जिंदगी इस घर की जिंदगी और तुम्हारी मौत इस घर की मौत है। तुमने तो हमेशा हमें जीने का रास्ता दिखाया और आज खुद मरने जा रही। भाभी मैं तुमसे वादा करता हूं जब तक भैया को वापस घर नहीं ले आऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। जो झूठा कलंक उसने तुम्हारे माथे पे लगाया भाभी वो उसे अपने हाथों से साफ करना। ले बेटी। मां भाभी को अंदर ले जाओ। चल बेटी चल। भैरवी भैरवी गजब हो गया। क्या हुआ? सीता भाभी कुएं में कूदकर अपनी जान देने वाली थी। हाँ? हाँ, चलो चलो जल्दी चलो। मैं अभी आई। ओहो अरे ये सब निकालने की क्या जरूरत है, चलो ना जल्दी। नमस्ते पिताजी। सारंग तुम आ गए? देखो बेटा कमल कैलाश को लाने गया अभी तक नहीं लौटा, न जाने वहाँ क्या हुआ। पिताजी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप मेरे साथ चलिए, चलिए मेरे साथ आइए। ये खूब रहा रागिनी, अरे हम तुम्हारे घर में बैठे और तुम यहाँ नहीं हो। हाँ सो तो हो लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ आओगे कब। भाई देखो रागिनी मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम जानबूझ के मुझसे पीछे छुड़ा रही हो, लेकिन आज मैं तुमसे बात की बगैर नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं रागिनी मैं यहीं बैठे तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ भैया। कौन भैया? भाई भाई का रिश्ता खत्म हो चुका कमल, तुम चले जाओ यहां से। हमारा रिश्ता खून का रिश्ता है भैया, इस तरह कह देने से थोड़ा ही खत्म हो जाएगा। मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी कोई बीवी नहीं है, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा मत कहो भैया, तुम तो हमारे बड़े हो, हमारी गलतियों को सुधारना तुम्हारा काम है, लेकिन लेकिन अगर तुम खुद ही गलत रास्ते पर चले गए तो सारा घर तबाह हो जाएगा। भाभी तुम्हारी वजह से जान देने पे तुली है भैया, उसकी जिंदगी का ख्याल करो, अपने बच्चे का ख्याल करो। वो बच्चा मेरा नहीं है। भैया तुम भाभी पे ऐसी तोहमत लगा रहे हो जो तुम्हारे चरण दादा की बीती है, तुम्हारी मूर्ति की पूजा करती है, उस देवी को पापन कहते हो तुमको। वो देवी नहीं वैश्या है, वैश्या। तुम मेरी भाभी के सुहाग की लाली हो, इसीलिए तुम्हारे खून से मैं अपने हाथों को लाल नहीं कर सकता। लेकिन मैं तेरे खून से अपने हाथ रंग सकता हूँ। अपनी जिंदगी चाहता है तो यहाँ से चला जा। मगर मैं तुम्हें अपने साथ लिए बगैर नहीं जाऊंगा। भाभी पे इल्जाम लगा के अपने पाप पे पर्दा डालना चाहते हो? क्या कर? बस तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया ना, अब घर चलो। घर चलूं उस कुलटा के साथ तेरे प्यार का नाटक देखने के लिए? मेरी इज्जत पर डाका डालने वाले कमीने, चला जा यहां से। मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूं, मगर मारूंगा तुम्हें और चोट लगेगी मेरी भाभी को, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं तुझे भाभी के चरणों में जरूर ले जाकर रहूंगा, जरूर से इंसाफ दिलाऊंगा। इंसाफ? तुम जैसे पापियों के लिए मौत ही इंसाफ है। कैलाश, कैलाश ये क्या पागलपन है? कमल भगवान के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा कहा मानो कमल, इस सब चले जाओ, तुम्हें अपने माँ बाप की कसम यहाँ से चले जाओ। रागिनी इस पाप की दुनिया में मेरा दम घुट रहा है, चलो यहाँ से कहीं दूर चलें जहाँ मैं हूँ तुम हो और कोई ना हो। तुम कहीं भी चले जाओ तुम्हारा दम इसी तरह घुटता रहेगा, क्योंकि तुम सीता भाभी पर अन्याय कर रहे हो। सीता तुम्हारी भाभी? मैं तुम्हारा भाई कब से बन गया? जब से तुम्हारी शादी हुई। अगर तुम अकल से काम लेते तो कब के समझ गए होते। अकल तो मेरी अब काम नहीं कर रही, जिससे मैंने शादी की वो मेरे भाई को चाहती है, जिससे मैंने प्यार किया वो मेरी बहन बन रही है,
अगर सीता को अपनी भाभी न समझती तो तुम्हें भाई कहते हुए शर्म आती मुझे। अगर तुम मुझे भाई समझती थी तो मेरे प्यार के तोहफे क्यों लिए, जेवरात क्यों लिए? इसलिए लिए, अगर मैं नहीं लेती तो तुम किसी गलत जगह बर्बाद कर देते उन्हें। मैं तो सीता भाभी की अमानत समझ के लेती रही। कमीनी, अरेबन, कैलाश, इतना गिर गया है तू? पिताजी, देवी, मैं जानता हूँ एक दिन कैलाश से तुम शादी करना चाहती थी, वो ना हो सका, इसलिए उसे अपनी पत्नी के हाथों से छीनना चाहती हो। आखिर तुम भी तो औरत हो, किसी दूसरी औरत का सुहाग इस तरह छीनना जुल्म है, पाप है। अगर तुम्हें और दौलत चाहिए और जेवर चाहिए तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी बहू का सुहाग मुझे भीख में दे दो, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। बाप और बेटे में कोई फर्क नहीं, न मुझे आपकी दौलत की जरूरत थी न आपके बेटे की। मैंने इन दोनों को सिर्फ इसलिए संभाल के रखा है कि वक्त आने पर उस देवी के हवाले कर दूं जिनकी अमानत है। ये रहा आपका बेटा, ले जाइए इसे, और हो सके तो आदमी बनाइए। रहे आपके जेवर तो मैं भी लाके देती हूँ। कैलाश, कैलाश बहुत हो चुका बेटा, अब मुझसे सहा नहीं जाता, चल बेटा घर चल, सीता सती है, साध्वी है, अग्नि की तरह पवित्र है। पवित्र पिताजी वो आपकी आंखों में होगी, मेरी आंखों में नहीं, मेरी आंखों में वो कुलटा है, दुष्ट है, जो अपने गुनाहों की आग में एक दिन खुद ही भस्म हो जाए। नहीं नहीं कैलाश नहीं, एक देवी पर इस तरह कलंक लगाना इतना बड़ा पाप है जो तुझे, तेरे घर को, तेरे सारे कुल को जलाकर राख कर देगा। कैलाश, तेरे बड़े भाई के मौत के बाद मैंने सब कुछ तेरे भरोसे छोड़कर भगवान की शरण ली, लेकिन अब इस बुढ़ापे में मैं तुझे नहीं खो सकता बेटा। चल घर चल, अपनी सीता को बचा ले। आज आपको अपनी पवित्र बहू को बचाने का ख्याल आ रहा है, उस वक्त आप कहां गए थे जब वो कुलटा मुझे तिल तिल करके जला रही थी, मेरी एक एक खुशी को बर्बाद कर रही थी, जब वो आपके छोटे बेटे के साथ मोहब्बत की पीढ़ी बढ़ा रही थी, उस वक्त आप सब लोग कहां गए थे? कैलाश, क्या कहा? सीता कमल पर कलंक लगा रहा है, पापी, इसके लिए तेरी जबान के टुकड़े टुकड़े कर देता। लेकिन क्या करूं, इन बूढ़े हाथों में अब वो ताकत नहीं रही। वो ताकत मेरे हाथों में है पिताजी। कैलाश, अपने अल्फाज वापस ले लो, वापस ले लो। देखो सारंग, ये मेरे घर का मामला है, इसमें तुम दखल मत दो। खामोश, ये मेरे भी घर का मामला है, सीता मेरी बहन है, जो कुछ तुमने कहा माफी मांगो। मैं कहता हूं माफी मांगो। सारंग, कमल तो मेरे हाथ से बच के निकल गया, लेकिन तू मेरे हाथ से बच के नहीं जाएगा। कमल भाई और भाभी का ख्याल करके तुम्हें छोड़ गया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं दामाद हूं और दामाद को सब कुछ करना पड़ता है। सारंग, हट जाएंगे पिताजी, अपने अल्फाज वापस ले लो या उन्हें सच्चे साबित करो। मेरे पास सबूत है। सबूत है? हाँ, साबित कर सकता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ नहीं, सब घर वालों के सामने। रागिनी बहन, तुम भी चलो। पिताजी, कैलाश, अब कैलाश वैलाश कुछ नहीं, घर चलो। कमल, अरे रे, ये खून कैसा? अरे रे, ये खून कैसा मेरे बेटे? बताता क्यों नहीं बेटा, क्या हुआ? मां, भैया ने मेरे और भाभी के रिश्ते को गलत समझ लिया। मां, बेटे पर उसने कलंक लगाया है। हाँ, मैं ही गया होता तो अच्छा होता। कमबख्त, अपने छोटे भाई पर शक करता है, देवर भाभी के नाते पर कीचड़ उछालता है। देखो माँ, और कुछ मत बोलो वरना। माताजी, आप कुछ मत बोलिए। कैलाश, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास सबूत है, कहाँ है वो?
मुझसे क्या पूछ रहे हो? पूछो अपनी बीवी से। अरे बताती क्यों नहीं, क्या जानती है तू? बाजी वो ऐसे नहीं बताएगी। आओ बहनवी मुझे बताओ। शाबाश शाबाश बहनवी, सच सच बताओ क्या बात है? बताती कि नहीं, मैं जान से मार डालूंगा। अरे बताती क्यों नहीं? एक दिन कमल और सीता भाभी बातें कर रहे थे, मैं चोरी चोरी सुन रही थी। इतने में कैलाश भैया आ गए। मैंने घबरा के उनसे कुछ झूठ मूठ कह दिया। मगर क्या बातें कर रहे थे वो, क्या सुना तूने? कमल हमेशा भाभी को उषा के प्यार की बातें सुनाया करता था। उस दिन भी वो कुछ ऐसे ही कह रहा था, मगर भाभी सुनना नहीं चाहती थी। इतने में भैया आ गए। इतनी सी तो बात है अम्मा। मैं इतना बेवकूफ नहीं कि इतनी सी बात पर शक करता। मैंने अपनी आंखों से देखा कि शादी के दिन कमल किस तरह तन्हाई में सीता के साथ हंस रहा था, उसके गले में हार पहना रहा था। कैलाश भैया आपने मुझे वहां नहीं देखा? मैं भी तो वहां मौजूद था। बिल्कुल झूठ, तुम वहां नहीं थे। अगर मैं वहां नहीं होता तो फिर ये फोटो कैसे लेता? कमल भाभी को हार पहना रहा था और मैं फोटो निकाल रहा था। ये तो हुआ, लेकिन वो हार कहां जो मैंने सीता को दिया था? हार? हाँ यह हार तुम्हारे पास कैसे आया? मेरे पास कैसे आया? ये बहनवी, मेरी अच्छी बहनवी, जरा बताना तो ये हार मेरे पास कैसे आया? बताओ। वो बता दे क्यों नहीं शैतान के? अरे रे, मैंने अपनी बहनवी को बहुत जोर से मार दिया। बहनवी लगा तो नहीं, जरा बताना तो ये हार मेरे पास कैसे आया? अम्मा मुझे माफ कर दो, भैया बॉम्बे से ये हार भाभी के लिए लाए थे, तो मैंने पूछा मेरे लिए कोई ऐसी चीज नहीं लाए। अम्मा मुझे ये हार बहुत पसंद था, इसलिए भाभी के ड्रॉअर से निकाल लिया मैंने। चंडाली, किस मानस घर जन्म लिया था तूने? भाभी तुझे अपनी बेटी कहते हुए शर्म आती है मुझे। भैया भैया मुझे माफ कर दो, सारा कुसूर मेरा है। सीता माँ मुझे भूल, पिताजी मुझसे भूल, मुझे क्षमा करो। माँ मुझे माँ जी, मालूम नहीं सीता दीदी को क्या हो गया है, जब से गिरी है न कुछ बोलती है न किसी की तरफ देखती है। मुझे डर लग रहा है, जल्दी चलिए माँ जी। सीता सीता सीता, अगर भैया ये समझते हैं कि बेटे की मौत से ही आज मां के कलंक का दाग मिट सकता है, तो मेरा मर जाना ही बेहतर है, वही मेरा फर्ज है। भाभी मैं आखिरी बार तुम्हारे दर्शन करने आया, जाने से पहले एक बार मेरी तरफ देखो, एक बार कमल कहकर पुकारो। नहीं बोलोगी, नहीं देखोगी ना? अच्छा कमल, कमल मैं भारती बेटा, कमल मुझे माफ कर दे, कमल कमल मुझे माफ कर दे, कमल कमल को रोको। सीता देखो, वो मेरी मूर्खता के लिए अपना बलिदान देने जा रहा है। सीता तुम ही उसे रोक सकती हो। सीता सीता कमल बेटा, मुझे क्षमा करो सीता, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, भीख, मेरे भाई की रक्षा करो, मैं तुम्हारे चरणों में गिरकर क्षमा मांगता हूँ। स्वामी ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़कर न जाओ। सीता तुम्हारा बेटा तुमसे बिछड़ के जा रहा है, कमल तुम्हें छोड़ के जा रहा है। सीता देखो, कमल तुम्हें छोड़ के जा रहा है, उसे रोको सीता, उसे बचा लो। कमल कमल भाभी, कमल भाभी, कमल भाभी। कमल क्या तुम मुझसे दूर जा सकोगे? नहीं भाभी, कभी नहीं। बेटा मां से कैसे मुंह मोड़ सकता है? सीता तुम इस घर की शांति हो, महालक्ष्मी हो। कमल मुझे माफ कर दे, मेरे भैया भैया
रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें।